फिर वहां से चलते चलते ये एक्टिंग की तरफ कैसे आती है यार एक्टिंग में मैं शुरू से जाना चाहती थी बचपन से शौक था शौक था पापा okay. मेरे तबलीगी जमात में थे थे मेरा नाम देख रहे वी लव्ड एवरीवनस परफॉर्मेंस यू मिस दैट टाइम बहुत और एक अच्छी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया महरीन जब्बार प्रॉपर ऑडिशन हुआ था मेरा दो बार तो मेरी रिजेक्शन हुई थी उसी ड्रामे के लिए यार अभी अच्छे लोग आए हैं बहुत सारे तो चीजें चेंज हुई हैं आपको लगता है चेंज हुई हैं कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हमने पढ़ा है वो हमें पहचानते ही नहीं सरिया आ गया उनमें ऐसे करके ना सलाम भी करो तो दे आर लाइक सुनो चंदा मैंने इतनी तैयारी की सब कुछ हुआ मुझे कास्ट किया गया बिलो के कैरेक्टर में एक दिन काम भी कर लिया उसके बाद मैं तीन दिन घर बैठी थी क्यों वजह नहीं मुझे, मुझे, मुझे वजह नहीं हाँ मना कर दिया अभी जो मैंने सीरियल प्रोडक्शन का किया उसके अंदर जो बेबी बाजी में, में मेरा मेरा बॉयफ्रेंड बना था वो बेटा है okay. मुझे खुद भी यकीन नहीं आया जब वो सेट पे आया तो कहता है मिजदा मैं आपका बेटा हूँ बचपन का प्यार तेरह साल की उम्र से काशी के साथ ही सेट था सब वही समाज नहीं था बीच में नहीं अक्सर ऐसा होता था बहन का कोई रिश्ता आया तो लोग मना कर देते नहीं इनकी दो माए ये सवाल उठते हैं वो तो जो अलमिया है हाई सोसाइटी का वो तो है ना बट अब कुछ आप करती हैं कि ऐसा कोई कैरेक्टर आप पे हावी ना हो जैसे अभी फजीलत वाला भी है और उसमें हर जगह ना मेरे ऑलमोस्ट रियल टीर्स पता नहीं जब परफॉर्म करती हूँ कुछ ऐसी या चीजें पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अच्छा या कोई बेबी से रिलेटेड हो बिकॉज आई हैड है जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो मुझे एक और डॉक्टर का बताया गया कि आप उनके पास जाए वो बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे देखा हो मुझे कहती है कि नहीं तुम तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती मतलब जब आपके मिस कैरेजेस हो रहे थे तब आहिल से पहले कहा क्योंकि माए ना इससे होती अम्मी को तो पहले दिन से ही था कि बस हो जाए, हो जाए जाए मुराद पे कैसा रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा और बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं, ना अपनी कहानी रिलेट करते हैं hey जो मेरी मेहमान है 12 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे वो याद है मेरा नाम यूसुफ से आजकल उनको मनत मुराद में भी देख रहे हैं इन द फैक्ट कि वो बिल्कुल घबराती नहीं उनको जो कहना है वो कहती हैं आज देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं फ्राम इंडस्ट्री टू हर बींग मधर हर चैलेंजेज एट दिस पॉइंट इन टाइम विध हर एक्टिंग करियर और uh, उनका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और आगे वो क्या देख रही हैं तो मिलते हैं मिजन अवकाश से और उनसे कुछ बातें करते हैं

बट इतना मजा आ रहा था मैं सुबह यू नो विच इज गोइंग थ्रू नेट एंड मैं पढ़ रही थी एंड मैं डिफरेंट आपके ड्रामे देख रही थी तो वो एक ऐसा था वो एक सीन था माया का आपके साथ यू नो आई थिंक टूवर्ड्स द लास्ट एपिसोड यू टेलिंग हर के हम हम पता नहीं क्या क्या तुम्हें तो वाइट कफन पहना के लेके जाएंगे तैयारी तो मुझसे पूछो एंड आई लव द वे यू नो शी सेइंग ऑल लाइंस एंड फिर मुझे वो टाइम याद आया जब हम इतने शौक से मेरा नाम यूसुफ देख रहे थे एंड वी लव्ड एवरीवनस परफॉर्मेंस एंड इन योर तो डू यू मिस दैट टाइम बहुत और एक अच्छी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया महरीन जब्बार और प्रॉपर ऑडिशन हुआ था मेरा उस वाले और के लिए। दो बार तो मेरी रिजेक्शन हुई थी उसी के ये, लिए सीरियसली क्यों आई इन नेपा और हमें अलाउ नहीं था भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के हम जाके कोई ऑडिशन वगैरह दे सकें मना था टी में काम करना तो फिर उसके बाद जब वो आई उन्होंने कहा कि ऑडिशन लेना है हमें लोगों का और ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो उर्दू बोल सके और साफ़ बोल सके क्योंकि हमने फैमिली ऐसी दिखाई है तो और माया की छोटी बहन लग सके वो सारी उनकी प्रायोरिटीज थी कि ये सब होना चाहिए तो फिर उसके बाद मुझे याद है कि ए प्लस का एक स्टूडियो होता था वहाँ पे फिर मेरा पूरा ऑडिशन हुआ फिर पता नहीं किसी वजह से चैनल या जो भी कुछ था उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ फिर वो चली गई वापस फिर आई फिर दोबारा मेरा ऑडिशन भी करिए और लोगों का भी दोबारा भी और लोगों का भी हो रहा था सब जाते थे पहले तो हम सब बैठे होते थे ना एक साथ ऑडिशन दे रहे होते थे फिर थर्ड टाइम उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसी से ही करवाना है okay. फिर हमारे सारे ड्रेसेस बने हमारे हेयर कट हुए मेकअप आर्टिस्ट को बुला के प्रॉपर मीटिंग हुई okay. फिर वो खलील रहमान कमर साहब का स्क्रिप्ट था तो हम सबसे पढ़वाया जाता था कि डिक्शन ठीक है ये मोनोलॉग बोल सकती हैं या नहीं क्योंकि उसके अंदर ना बहुत डिफ़िकल्ट उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए थे आई रिमेंबर एक वर्ड था कि कंसान में घंटियाँ बजती हैं तो जब हम लोग पढ़ रहे होते थे ना तो मैं है ना बयात और हम सब सोचते थे कि मतलब हम अटक ना जाए में? कंसान में कंसान काफ नून आइन स्वाद अलिफ ओके, नून। ओके, तो बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, और अभी कल मैं देख रही थी तो एक और मेरी रील वायरल हुई हुई है माया के साथ हाँ। तो वो कहती है कि नहीं पहले याद आता था अब तो मुझे याद भी नहीं आता ना क्योंकि अब्बा कहीं और निकाह कर रहे होते हैं तो वो बड़े उनके अच्छे से डायलॉग होते हैं आखिर में कहती कैसी लग रही हूँ तो मैं रिप्लाई करती हूँ मनहूस तो बड़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग दिखाई थी कि मैं उसको बार बार कन्विंस करती हूँ कि तुम कुछ कर लो तुम्हें तो करनी है शादी तो तुम जाओ लेकिन और उस वक्त भी मैं जब आपकी डायलॉग्स भी सुन रही हूँ तो मैं वही सोची थी कि डायलॉग्स बोलना कितना मुश्किल होता होगा याद करना फिर उसको उस तरीके से डिलीवर करना बिकॉज वो ऐसे डायलॉग नहीं है कि आप ऐसे जाके बोलते Very... और आ, आप उनको प्रॉम्प्ट भी नहीं करवा सकते ना आप सोचें 12 पेजेस के थर्टीन पेजेस के सीन्स होते थे okay. और हमारी बकायदा सीआर होती थी ड्रिलिंग होती थी फिर आपको पता है वो बहुत डीपी डीपियाँ कासिम अली मुरीद तो हमारे फ्रेम्स अच्छा। बहुत दूर दूर तक होते थे कि आप यहाँ से चल के जाएंगे आपको यहाँ तक ये बात करनी है वहाँ तक जाना तो सब याद रखना पड़ता था प्लस हमें अपनी कॉन्टीन्यूटीज़ याद रखनी होती थी कि अच्छा यहाँ पे हमने हाथ बांधे थे खोले थे क्योंकि महरीन जो है ना बहुत पर्टिकुलर है इन सारी चीज़ों को लेके जो बहुत अच्छी बात है अब कम बचे हैं ऐसे डायरेक्टर्स तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा प्ले था नैपा में तो मैंने कहा मुझे जाना है आई एम गेटिंग लेट तो वो कहने लगी कि अच्छा फिर एक काम करो ये जो कपड़े हैं ना ये मेरी एडी को दे जाओ तो उनकी असिस्टेंट होती थी ईमान तो लोने उसको मेरी शर्ट पहनाई और वो ओटी करते ना उसमें वो बैठी हुई है वसीम साहब और हिना के सामने और मैं अपना काम करके सोलो दे के जा चुकी जा चुकी थी। कभी कभी अटकती थी डायलॉग्स में या आसान था मुश्किल था बहुत आसान था, बहुत आसान था। क्योंकि आसान हम लोग वहाँ पे जो डेक्शन वगैरह मैंने सर मुद्दीन साहब महरूम से किया है तो हम लोगों का ये होता था कि हम थ्री थ्री आर्स के जो हमारे प्लेज होते थे थिएटर यू नो इट तो वहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होती कुछ नहीं, नहीं होता तो आपको एक, एक दूसरे जाना पड़ता है तो। चलिए ये बताएं आप कहाँ से बिलोंग करती हैं जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ घर में कौन कौन था है कहाँ से बिलोंग मतलब एंड सिस्टर्स का बताओ मैं कराची से हैं मैं कराची से हूँ प्योर उर्दू स्पीकिंग अब्बा अजमेर शरीफ से हैं अम्मा जबलपुर से हैं मेरी और हम प्योर उर्दू स्पीकिंग और जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि पहले आई यूज टू टीच इन लैंग्वेज सेंटर बढ़ावा कहाँ से आपने कराची यूनिवर्सिटी

आई टोल्ड यू आई हैव टू मदर्स तो उनके जो दो छोटे बच्चे थे उनकी जिम्मेदारी थी घर की जिम्मेदारी थी तो फिर प्राइवेट सब हम करते गए और पापा जब थे 2006 में तो मैंने लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था ऑफ uh, होता है ना आपका कि आप जाके थर्ड ईयर के बाद ज़रा कुछ कर लें तो आई वॉज द वन अपने ख़ानदान से जो नाइन टू फाइव जॉब करती थी तो जब मैं गई थी वहाँ पर तो वहाँ के जो ओनर थे इकबाल अली जज साहब तुम तो, तो बहुत यंग हो मैं तुम्हें टीचर नहीं बना सकता अच्छा। यहां तो बहुत बड़े बड़े लड़के हैं कोई एज हाँ। लिमिट नहीं है तो तुम ना रिसेप्शन पर बैठ जाओ ओके और हम खुशी खुशी अच्छा ठीक है तो मैंने मुश्किल से रिसेप्शन पर दो ढाई महीने रही थी मेरी ट्रेनिंग हुई सब कुछ हुआ और वहाँ पे कुछ ऐसे सीनियर्स थे मेरे जिन्होंने कहा मिर्ज ना तुम टीचिंग कर सकती हो तुम क्यों नहीं करती हो ओके होने कहा फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की और वहाँ मैंने ऑलमोस्ट आठ साल पढ़ा रहा ओ माय गुडनेस ये तो बहुत लंबा है आखिर मैं तो मैं तुम्हेंटिव एडवांस की क्लासेस वर्कशॉप सब कुछ लेना इंग्लिश पढ़ाती पढ़ाती थी क्या okay. okay. कॉन्वर्जेस की क्लासेस होती थी ग्रामेटिकल जो हमारे स्ट्रक्चर yeah. जिनसे हम लोग बिल्कुल आशना yeah. नहीं है वोना गोना वाली इंग्लिश yeah. आ गई हमारे तो हम वो करते थे समर कैंप्स होते थे अच्छी एक्टिविटीज़ होती थी फिर मैं ट्रेनिंग करती थी जो हमारी रिसेप्शनिस्ट होती थी कोऑर्डिनेटर्स होती थी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जिनकी काउंसलिंग करनी होती थी और एक प्लस पॉइंट डॉमिना इंग्लिश टर्निंग सेंटर का ये था कि अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी स्टूडेंट में या वो पार्शली ब्लाइंड है या ब्लाइंड है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप थी ओके okay. तो हम उन लोगों को भी फिर काउंसिल करते थे देखते थे तो इन सब की चीज़ों की जैसे आपको तो ह्यूमन बिहेवियर का बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट होगी होगी जो आपको आगे अपने एक्टिंग करियर में बहुत फ़ायदा हुआ होगा और फिर उसके बाद ये हुआ था कि जब हम जैसे यंग यंग टीचर्स आए थे जो मास्टर्स भी कर रहे हैं और मतलब आई वॉज इन थर्ड ईयर समझे लास्ट ईयर में होंगी जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे फिर ये हुआ था कि हमारे प्रिंसिपल ने ना गाउन और कार्ड्स निकाल दिए थे कि यार okay. पता तो चले टीचर गुजर <laughs> <Student laughs> टीचर <में> कौन? <laughs> तो लोग ले लेते रोक जमाना पड़ा फिर यार वो वो है कि वो वाली तो हर जगह होती है ना <laughs> हमारी पहला लेक्चर हमारा होता था कि हमारे पेरेंट्स ने सिखाया जो है आपके वो रूहानी वाले होते हैं कितना मजा उड़ता होगा जस्ट इमेजिन माई गुडनेस और कहीं से नहीं लगता था फिर ना वो जब स्टूडेंट्स साथ चलते थे तो हम भी उनके जैसे ही लग रहे होते थे तो फिर वो गाउन और कार्ड्स आ गए थे कि भाई टीचर्स आ रहा है लेकिन खैर रिस्पेक्ट बहुत होती थी क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी हर चीज पे और अगर कोई ऐसी वैसी बात होती थी एक बहुत मजे का वाक़ हुआ था एक साहब थे मेरी क्लास में थर्टी फाइव स्टूडेंट्स थे और वो सब ना मतलब आप समझे उस वक्त थर्टी फाइव फोर्टी एक सिक्सटी ईयरस के भी बैठे हुए होते थे क्योंकि कोई जाएगे 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 तो को, को, कोई तो एज लिमिट अब मैं क्लास में गई हूँ सारी बात बात हुई है कॉन्वर्जेसन हुई है हमने डिबेट किया सब कुछ किया अब एक ना मुझे ये करके देखे जा रहा है देखे जा रहा है फिर मुझे कहता है मेरी अम्मी मर गई हैं मैंने कहा अच्छा बहुत याद आती है मुझे आप अपनी अम्मी जैसी लगती है अच्छा तो जो डोमिनो का प्रोस्पेक्ट होता था उस पर हम लोगों की ना पिक्चर्स थी सारी टीचर्स की जैसे होती हैं उसमें से उसने यू इमेजिन दैट उसने उसमें से ना मेरी वो पिक्चर निकाल के छोटी सी पासपोर्ट साइज अपने वॉलेट में रखी हुई थी फिर वो यहीं पर नहीं रुका वो मुझे लगता था कुछ था उसका मसला कि उसने मेरे घर पता नहीं उसे कैसे पता चला था उसने मेरे घर एक मेरे ही साइज का टेडीबेयर भेजा मेरी बर्थडे वाले अच्छा जो मेरी स्टेप में डरा ना वो वैसी बहुत डरती है इन चीज़ों से ना वेल भाजी टी सी एस वाला आया कहता है ये केक और ये और ये और मैं तैयार हो रही हूँ ना कि बर्थडे है अम्मी ने कपड़े सीखे दिया मेरी अम्मी स्टिच करती हैं कपड़े तो हम वहाँ पे खड़े कि अच्छा, हुए तो किसने भेजा कौन है, क्योंकि मेरा से ही जो है उनसे एक था कि अच्छा इनसे शादी होनी है okay. और पापा की डेथ के बाद अगले साल ही हमारे निकाह हो गए थे दोनों बहनों के दोनों भाइयों से okay. और वो अम्मी के सगे भतीजे हैं okay. तो अम्मी को तो पता था कि कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि कोई आगे पीछे हो और ना वो वो आ रही अम्मी सिस्टर के सगे भतीजों से हम दोनों की शादी के देखें

और फिर उसके बाद टू नाइन की क्लास में वो मेरे होता था फिर मैंने उसको वहाँ से okay. <laughs> बहुत होगा ना यार मुझे डर लगता था वो जिस तरह देखता है मुझे लगता था उठा के ही ना ले जाए किसी से क्योंकि उस वक्त इतना था नहीं ना एक तो पापा की ताजा ताज़ा डेथ हुई थी फिर आपको लग रहा होता पूरी दुनिया में सभी आपके दुश्मन है तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता था लेकिन बहुत मज़ा किया तो फिर वहाँ से चलते चलते ये एक्टिंग की तरफ कैसे आ यार एक्टिंग में मैं शुरू से जाना चाहती थी बचपन से शौक था शौक़ था पापा okay. मेरे तबलीगी जमात में थे शहरोजा और चिल्ले mm -hmm. वाले लोग थे ना वो तो उन्होंने मुझे सिर्फ कैफ़े विजन एक आता था रिजवान जाफर का आई डोंट नो क्या आपको पता है यानी इंडस विजन एक चैनल था तो वहाँ पे होता था जो भी आपके यंगस्टर्स हैं ना मतलब कॉलेज स्कूल के वो सब बैठ के कोई डिबेट करते थे तो अक्सर उसमें वो मुझे बुलाते थे तो मैं पापा से कहती थी जाने दें तो वो स्टेप मदर के साथ हमें तारक रोड भेजते थे डॉलमिन वहाँ के फूड कोर्ट में हमारा डिबेट कंपटीशन होता बहुत तमीज़ का सलीके का और उसमें मैं हमेशा विन करती थी ओके okay. तो पापा ने अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे ये जो बैठी है ना येलो कपड़ों में ये बैठी है फिर खैर बीच में रेडियो शोज़ वगैरह भी थे फिर एक रेडियो शो पे मैं गई ऑडिशन देने मैं फेल हो गई ओके okay. तो उसके बाद वो ख्वाब तो मेरा वहीं टूट गया कि मैं नहीं बन सकती आज फिर उसके बाद जब शादी वादी हो गई तो फिर मैंने अपनी सास ना बिल्कुल डेथ बेड पी थी उनको हेपेटाइटिस बी एन सी था वो बचपन से ये सीन था कि अगर कोई तकरीब है तो हैदराबाद से मैं कपड़े सिल के आ रहे हैं क्योंकि सास बिल्कुल बेटियों की तरह रखती थी तो मैंने उनसे कहा यार मुझे एक्टिंग करनी है नसीब आंटी मुझे जाने में तो वो सदर में टेक्नो सिटी या नहीं कोई जगह थी वहाँ पे एलेवंथ या नाइन्थ फ्लोर पे समा का ऑफिस था तो वहाँ होते थे अदील और जवाद okay. उन्होंने कोई ऐड वगैरह दिया कि भाई हमें एक्टर्स की ज़रूरत है तब वो आती थी रीन एक्टमेंट्स ओके मेरी कहानी मेरी जबानी जमानी okay. तो मुझे हमेशा लगता था अच्छा इसमें भी काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है चैनल्स तक जाना तो बहुत मुश्किल काम है mm -hmm. तो मैं पढ़ा भी रही थी रोमे रोमे अब मैं ये काम भी करती थी साइड से ना अपनी पिक, अब उन्होंने कहा पोर्टफोलियो दें हमें तो पता ही नहीं पोर्टफोलियो क्या होता है mm -hmm. क्योंकि हमारे यहाँ तो पिक्चर्स ही नहीं बनती थी तो मैंने कहा अच्छा पोर्टफोलियो कहते हैं जो भी पिक्चर्स है दे रहे तो आप सोचें मैंने कौन सी पिक्चर्स दी कौन सी पिक्चर दी <laughs> जमीनी शादी की फिक्स्ड। शादी की फिक्स्ड गई थी। उनके क्लोजअप क्योंकि वो एल्बम तो आया नहीं था अभी शादी हुई थी। मैंने अच्छा शादी के फौरन की बात है। <laughs> मार्च की बात है। okay. फेब में शादी हुई है। <laughs> और मैंने मार्च 8 2011 की बात है। मैंने वो जो है ना अपने हस्बैंड से कहा प्रिंट आउट निकाल के लिए <laughs> वो भेज <बेच> दिया <दे> <laughs> वो मुझे लेके गया उस गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी बाइक पे मैं काशी के साथ मेरे हस्बैंड का निकनेम काशी है तो समझिएगा वही आदमी की बात हो okay. होके किसी और की बात हो तो, गई हाँ, तो मुझे बाइक पे लेके गया हम वहाँ गए मैं जाके ना ऐसी अनबलप में जैसे रिश्ते के लिए तस्वीरें आई थॉट मे बी आपने ना जो अपनी ट्यूशन से, लैंग्वेज सेंटर था ना उसकी कोई <laughs> कि ये तो मेरे ख्यालों में था कि अपनी शादी की पिक्चर yeah, मुझे मुझे तो 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 मतलब हाँ। तो अभी भी आप पूछेंगी ना मेरा बनाती तो मैंने मुझे एंगल ही नहीं पता चलता नहीं बना सकती अच्छा ओके तो फिर वो तस्वीर लेके आप लेके बहुत कॉन्फिडेंस से वाइट एनवलप में ले गई और मैंने उनको दे दी कि भाई और पीछे ना हर पिक्चर के मेरी हाईट और मेरी एजुकेशन उनको मैं जाके वो दे दिया फिर मैंने ना आके अपने हस्बैंड से कहा मुझे नहीं लगता कोई बुलाएगा तो जिन जो 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 लोगों के अम्मी अबू होते होंगे ना मीडिया में उनको बुलाते होंगे हमें कौन बुलाएगा तो मुझे कॉल आ गई उन्होंने कहा बारह को आपकी शूट है अच्छा उस वक्त जो है मैंने कहा अच्छा फिर पैसे क्या मिलेंगे ये वो तो वो कहते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे तीन दिन के चौबीस हज़ार रुपये वो तो बहुत सारे लगे चौबीस हज़ार मैंने कहा अच्छा ठीक है डन मैं चली गई उन्होंने उसी वक्त वो होता था कि आपने काम किया आपको कैश मिला आपने स्लिप पर साइन किया पैसे मिल गए मैं करके आ गई फिर बड़े शौक से ना मैंने सबको घर में दिखाया उसने तो बड़ी चीज़ लग रही थी टी वी मैं आ रही हूँ फिर एक वो किया फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो कोई भी नहीं बुला रहा कोई भी नहीं बुला रहा फिर अचानक से मुझे जियो से कॉल आई तो उनका एक सूप था मतलब बीच में आपने खुद से कोई कोशिश नहीं की मैं बस यही कोशिश मुझे इन्हीं का पता था और उसके बाद में यह हुआ था कि वो ए एन बी एक प्रोडक्शन हाउस था वहाँ पे जाके मैंने इसी तरह ये जो शादी वाली तस्वीरें थी जमा करवा अच्छा वो जमा कराई थी उसी की वजह से वो कॉल आई दोबारा फिर वहाँ से कॉल आई तो एक डायरेक्टर होते थे नदीम सिद्दीकी तो उसमें फैसल भाई की सिस्टर्स के कैरेक्टर थे एक जनान ने किया था उस वक्त वो सुंदर तारिक थी अब जनान हुसैन वो और एक मैं हम दोनों बहनें बनी थी यासरा उनकी वाइफ थी ओके okay. तो फिर मैंने अच्छा उससे भी पहले ये हुआ था कि एक डायरेक्टर है तहसीन जिन्होंने बाजी किया जी जी तो वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है okay. तो जब उसको मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि यार कहीं हो तो बताना वो इसी प्रोडक्शन हाउस बता उसने कहा यार एक सीन के लिए ना हमें चाहिए अगर इसने अच्छा बोल लिया हो गया वन गो में कर लिया तो फिर हम कंसिडर करेंगे तो हम चले गए अब वहाँ पे ये था कि सबा कमर बैठी हुई सबा कमर को देख के ही ना मैं टी में आई थी मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ उनसे <laughs> तो वो वहां बैठी हुई है मेरे सामने और बराबर में फाद मुस्तफा बैठी और मुझे कहा आप उधर बैठ जाएं आप गाने हैं और आपको ना ये पूरा थी है। आपको याद भी है माशा अच्छा अब मैं बैठ गई अब रट्टा तो मैंने लगा लिया एक्सप्रेशन तो आते नहीं थे मुझे रट्टा लगा लिया वहां बैठी पहले तो सवा कबर मतलब आप उसके उनके सामने बैठे पहली बार मैंने बोलना शुरू किया मैंने कहा कि नैा नामे के अंदर एक गुशवारा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप लोगों को अपने टेस्ट करवाने लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते पता नहीं क्यों उसके अंदर था कि उनको प्रॉब्लम होती है तो उससे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता नहीं आपको याद हो, याद हो या ना हो लेकिन एक इशू पे था वो ड्राउप ओके तो खैर वो सब कुछ हुआ फिर अब ये नहीं पता था सब कुछ तो बोल दिया मैंने मास्टर में जब सोलो की बारी आई ना तो वो चीट करवाते ना आप यहाँ देखें यहाँ देखें फाद मुस्तफ़ा चले गए <laughs> मुझे समझ नहीं आ रहा कि सभा तो बैठी है जो नहीं मुझे नहीं? इसके मिया वो करके हाथ रखा तो जब फाद मुस्तफ़ा बहुत तो अच्छी पहला आपका वो मेरा पहला था वो करने के बाद उन लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया मन के मोती खुशबू का घर ये सारे मैंने सोप करती गई फिर एक बार शर्मद भाई आए थे

ये करने के बाद यह हुआ कि इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप खुशबू का घर कर लें उसके अंदर एक लड़की थी सायरा वो हैदराबाद से आई थी तो उसने अचानक से ना सोप मिट से छोड़ के वो वापस चली गई थी तो उन लोगों ने मुझे बता दिया कि हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं जैसे पहले होता था ना दूसरे चैनल्स में ये किरदार इसकी जगह आ गया तो हम किसी और की जगह आ गए हम खुश थे कि हमें सोप मिल गया ना तो अब मैं वो कर रही थी तो उसके बीच में जो मेरे फादर बने हुए थे मुझे रोने का सीन था तो उनको बहुत गु़स्सा आया और वो कहने लगे कि मैं ऐसे लोगों के सामने अब एक्टिंग करूँगा ये वो तो उस वक्त यही जो तहसीन था ये ए था और जाहिद महमूद उसके डायरेक्टर थे तो मैं तहसीन के पीछे जाके ना रोना शुरू हो गई मैंने बोला इतनी बेजती तो मेरी किसी ने क्योंकि आप सोचा आठ साल आप कहीं भी टीचिंग करके आ रहे थे आपके भरम कितने होंगे कोई आपके सामने चाहेगा को देखकर चला जाए तो आपकी इज्जत

और अगर इसे प्रॉपर्टी करनी है तो देखो सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है स्किल्स तो होती हैं अच्छा भाई ठीक है फिर हम नापा चले गए अच्छा वहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ जो किसी को नहीं पता वहाँ पे बैठे हुए थे सर जयामहद्दीन सर ये हमारा ऑडिशन था आप ये सोचें कि मतलब आप कोरा कागज़ है ना आप एक्टिंग सीखने जा रहे हैं तभी तो आप वहाँ जा रहे हैं ना अगर आपको आती तो आप क्यों उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे आएंगे हमें मोनोलॉग दे दिया कि हम अनारकली हैं अब अपने तौर पर ना चूड़िया <laughs> और घेर वाली फ्रॉक पहन के पहुंच गई वहाँ पर पिंक कलर की और मुझे अपने तौर पे लग रहा था कि मैं अनार के लिए बट आई वॉज नॉट एक्चुअली दुबली पतली सी सूखी hmm. सी कोई अट्रैक्शन मतलब नहीं थी जाहिर है हम लोगों को इतनी ग्रूमिंग का वो नहीं था बस ये पता था कि अच्छा बाल डाई करवा लिए hmm. लेंसेज लगा लिए उससे ज़्यादा कोई इतना जो आजकल लोगों को है ना ऐसा कुछ नहीं था अब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो सर अरशद महमूद सर जिया सर राहत काजमी मैम उजमा ये सब लाइन से बैठे हुए और कमरा ना बिल्कुल डार्क है आप स्पॉटलाइट में खड़े हैं और आप अनार <laughs> जो मोनोलॉग था ना दो पेजेस का मैंने पूरा सुना दिया कि हमें ये ना करे वो ना करे मैं सीधे खड़े होकर ना ऐसे करके सुनाया कोई मूवमेंट नहीं, नहीं कोई एक्सप्रेशन नहीं, नहीं।, नहीं।, <laughs> नहीं। सर आपने बस मुझे ये करके देखा रिजेक्ट मतलब तीनों चारों ने रिजेक्ट कर दिया जब मैं पलट के जाने लगी ना तो मुझे सर ज्याने आवाज दी और वो मुझसे पूछना कि क्या क्वालिफ़िकेशन है क्यों करना चाहती हूँ तो सर जया ने कहा कि चलो रायपा में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं अच्छी बात है तो आई वॉन्ट हर टू कम ओके और मैं इनको पॉलिश करूँगा जाहिर है स्टूडेंट्स हैं और ये जल्दी और मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी डिक्शन में उनको हुँ. मेरी उर्दू अच्छी लगी थी कि कोई तो साफ उर्दू बोल रहा <laughs> जितना जिस पर उनको इतनी मेहनत सुन तो का एहसान है कि उन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया वरना मैं रिजेक्ट मुझे कर दिया था कि कोई एक्सप्रेशन नहीं है कुछ नहीं है बस डेड इसने दो पेजेस सुना दिए खड़े hmm. होके फिर नापा का जर्नी आसान था या मुश्किल और ये है कि नापा <laughs> जो लोग टीवी से नापा जाते हैं और नापा से वापस टीवी इंडस्ट्री में आते हैं क्या है थोड़ी सी फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है ये दो ग्रुप्स को आपस में करनी पड़ती है अच्छा शुरू में जब मैं नापा से आई थी तो मैंने थ्री ईयर्स का पूरा कम्प्लीट नहीं किया था वन एंड हाफ ईयर्स में आई लेफ्ट दैट लेफ्ट या यू स्टार्टड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ यार आई वॉज अपॉर्चुनिटीज खुशबू काम टू नैपाईन इन नापा दैन आई डेड द करेक्टर ऑफ यंगर सिस्टर ऑफ सानिया सईद तो वो सब तो था और ना मालूम अफराद में नबील भाई मुझे लेके गए थे एक मैंने कुबरा की भेट का कैरेक्टर किया था तो हम प्रीमियर वगैरह में तो वहाँ पे ना थोड़ी ये प्रॉब्लम होने लगी थी कि क्लासेज क्लासेस मिस हो रही हैं लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं अच्छा पढ़ लिख हूँ अच्छा मैं हुई थोड़ी सी तब हुई थी जब मुझे लगा था कि हम अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे ना उनको ज्यादा okay. मुझे कहा <laughs> जाऊंगी तो खुद जाऊंगी इन लोगों के कहने सेवरी वन नोज इस बात पे हिस्ट्री ऑफ थिएटर जिसका हमने हॉट नाम रखा हुआ था हिस्ट्री ऑफ थिएटर का पेपर होता था उसके अंदर पूरी हिस्ट्री थी कि रोम में कैसे शुरू हुआ यहाँ कैसे शुरू no. हुआ कौन लोग थे क्या mm. होता था किस किस तरह के होते थे थिएटर्स तो आई यूज़ टू गिव माई पेपर इन इंग्लिश ठीक है तो अब मैंने वो पेपर दिया mm. देने के बाद अच्छा पेपर मैं इस तरह दे दी थी, थी मैं पूरी क्लास को बता भी रही होती थी क्योंकि मैं वजदान हम तीन चार ऐसे लोग थे जिनको आता था कि करना क्या mm. अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने बेसिक यू वन बिलीव इट कायदा पढ़ाया था अलिफ पे ठीक है जब रिजल्ट आया हमारा तो आई गॉट ट्वेंटी मार्क्स अल्हमदुल्ला एंड शी गॉट एटी मार्क्स माई पॉइंट और फिर तो हमने देखा कि हवाए जो पेपर्स थे उनमें समोसे वगैरह भी मिल रहे होते थे ना तो मुझसे ये हुआ क्योंकि मैं अपने तौर पे इंटेलेक्चुअल थी और मुझे पता था कि ये क्या चीज़ें होती हैं हम खुद टीचर रहे हैं तो मैं गई और मैंने जाके अपने उन सब्जेक्ट के टीचर से पूछा मैंने कहा कि मैं स्क्रूटनिंग करना चाहती हूँ मैं अपना पेपर देखना चाहती हूँ क्या मैंने कुछ भी नहीं लिखा मैंने hmm. तो बहुत लिखा था और मैंने अपने तौर तो पे सही लिखा था क्योंकि हम लाइब्रेरी में जा नोट्स बनाते थे हम इतना सीरियस लेते थे चीज़ों को कि पढ़ना है करना है करना hmm. है तो उन्होंने कहा कि यू आर ऑब्जेक्टिंग योर टीचर मैंने कहा यस आई वॉन्ट टू नो कि मेरा पेपर कहाँ है मैं अपना भी चेक करना चाहती हूँ और उसका भी चेक करना चाहती हूँ hmm. आप सोचें मैं निकल के ना ऑडिटोरियम तक भी नहीं गई हूँ पीछे से जो है ना हमारे एक पी एन थे वो आ रहे हैं आगे कहते हैं आपके लिए लेटर आया अपने कहा निकाल दिया आपको और इस बात पे निकाला कि मैंने टीचर से सवाल किया अब फुर्ती देखे ना इतनी जल्दी टाइम हो होकर वो निकल भी आए ना प्रिंट आउट हो होके तो खैर इन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा ऐसा नहीं है कि नापा से मैंने नहीं सीखा ये कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन चीज़ें डायलॉग्स याद करना ये सब मुझे वहीं से आया खैर मैंने उनको ये कहा कि मैं कल सर जया से मिलूँगी सर जया से मेरा एक पर्सनल वाला होता कि कोई भी मसला हुआ कुछ हुआ तो वो समझते थे अब मैं गई हूँ तो सर जया आ जाते थे नाइन डॉट तो मैं उनसे पहले साढ़े आठ बजे दरवाजे पे खड़ी थी मैंने कहा देखे मेरे साथ ये हुआ है और आपको तो पता है मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ आपको <laughs> <थो। laughs> तो, तो पता है उन्होंने उन टीचर को बुलाया टीचर जिन्हें मतलब मैं सोचती रह गई कि ओके okay, hmm. मुनाफकत का बाजार गरम है hmm. फिर वापस चली गई हो गए उन्होंने ही ही कर पहली लिया, बार था? के दिया लेटर फाड़ एक टीचर थे तो एक लड़की थी उसकी अटेंडेंस थी समझे ट्वेंटी परसेंट होगी और मेरी नाइन्टी थी तो उन्होंने मुझे कोई कैरेक्टर ही नहीं दिया आप सोचे मतलब थिएटर तो है आपने आवाज़ उठाई हर हम आवाज़ उठाते थे तो हम निकाले जाते थे ठीक है दोनों ने मुझे कोई कैरेक्टर ही ऑफर नहीं किया और उस लड़की को दो दो कैरेक्टर्स दे दिए कि ये चेंज करके ये भी कर लेगी ये भी तो मैंने कहा मैं तो कहते नहीं आप आपकी अपेयरेंस अच्छी नहीं है स्टेज पर यह आपसे ज़्यादा खूबसूरत है खूबसूरती की बेसिस पे हो रहा है। okay, ये तो बहुत है। हाँ, तो वो थी, बस वो उनका मसला तो था नहीं हुई थी यार ऐसा भी होता है सो डेढ़ साल बाद करने के बाद आपने छोड़ दिया थोड़े के लिए नापा फिर दोबारा क्यों गई वापस मैं दोबारा नहीं गई फिर वापस नहीं गई सो यू नॉट कम्प्लीटेड नो ओके ठीक है लेकिन जब टीवी की तरफ आ गए आप वहाँ पे सही है या जो लोग नापा से आते हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ फेस करना पड़ता यार सबसे पहले मुझे नापा से ये फेस करना पड़ा था कि जो हम माइक लगाते हैं ना उसके अंदर वो लोग कहते थे कि आप लोग की आवाज़ बहुत बेसी है और आप लोग बहुत ऊँचा बोलते हैं क्योंकि हुँ. हम लोग थिएटर में ऊंचा बोलते हैं हमारे हुँ. नापा ऑडिटोरियम में तो कोई माइक नहीं है ना तो फिर वो उन्होंने बोला था थोड़ी टोन डाउन करके आप बात करें और नापा में जहाँ ये वाली चीजें थी मैं एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि मेरी वॉइस पर बहुत काम किया अकबर इस्लाम साहब ने डिक्शन पे मेरे सरजया ने बहुत काम किया सर राहत ने फलसफा पढ़ाया मैं बहुत अच्छा और और कौन होते थे <laughs> सबसे अच्छे जो थे सर सरजैन समीना अहमद साहिबा के जो बेटे हैं सरजैन उन्होंने मुझे सबसे बड़ा कैरेक्टर दिया था उन्होंने कहा था सीगल एक कैरेक्टर था वो था ड्रामा उसके अंदर आर्किडीना होती है तो वो इतना ज़्यादा मतलब वो प्लेफुल एक कैरेक्टर था और मैंने बहुत अच्छे से किया

ओके okay. तो मैंने कहा ये क्या हुआ ऐसे क्योंकि हम लोग ना इतनी मतलब आप हाँ थिएटर में जब होते हो तो आप बहुत फ़नी हरकतें करते हैं मतलब आपको बोलते हैं कि आप हमें एक दिन कहा गया कि आप एक अजीब सी वॉक करें मैम सादिया बहुत अच्छी मूवमेंट की टीचर थी जो कि ना रह पाई वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक अजीब वॉक करनी है पूरा दिन करनी है तीन बजे से लेकर रात के नौ बजे तक बस वॉक करनी है

बाहर बाहर <laughs> <laughs> तो आप सोचे जिनके साथ आप पे लाइट्स लगा रहे हैं। आप उनको बता रहे कि, आ, ये खोल वो कर ये ऐसे कर। मिल रहे और कुछ तो ऐसे थे जो मुझे अच्छी नहीं है अभी भी कहते हैं तब कहते थे और अब वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है ये कैसी स्टूडेंट थी तो कहते हैं हाँ ब्राइट मैंने पढ़ाया होगा तो पता होगा ना हाँ लेकिन मैंने सीखा मतलब डीमोटिवेट नहीं हुई मैं मोटिवेशन मिली कुछ सच में मेरे एक टीचर थे जो मुझे कहते थे मेरा बस चले ना मैं पाँव में रस्सी बांधी तुम्हारी चाल इतनी बुरी है और लिटरली उन्होंने बांधी ये उन लोगों के लिए कि मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कुछ पढ़ने सीखने जा रहे शायद लोग इसको मजाक मिले या शायद उनको मसाला मिले लेकिन मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ मुझे पता है कि और टीचर भी रही हूँ कि आपका दिल जब आपकी हौसला शिकनी होती है ना तो आप पता नहीं कहाँ कितने एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और आपको नहीं पता किसी के घर में क्या चल रहा है कोई पीछे अपनी कश्तियाँ जला के आया आप उसको खड़े होकर कहते हो कि स्टेज पर आपकी अपेयरेंस अच्छी नहीं है तो आप किस लिए हैं भाई अब जैसे मेरा मेकअप आर्टिस्ट है माशाल्लाह वो आठ साल से मेरे साथ है उसने कभी मुझे ये नहीं कहा मजा आई ब्रो में डिफेक्ट है तुम्हारी लिप में डिफेक्ट है तुम्हारे बाल ड्राई हैं तुम्हारे बाल ग्रे है बिकॉज ही नोज़ कि मुझे इसको परफेक्ट करके भेजना अभी भी उसी ने मुझे तैयार किया है तो वो कभी भी ना मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं देता कि मिजना ये इसलिए हो गया एक पिन भी अगर लग जाए ना तो वो सॉरी करता है बिकॉज ही नोज़ कि ये उसकी ड्यूटी है ठीक है लेकिन हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि ज़्यादातर बस सिर्फ वो लोग ना ये देखते थे कि नेगेटिविटी सो so, ये इन सब चीज़ों की वजह से आपने नापा को छोड़ने का कर दिया या फिर आपके पास काम इतना ज़्यादा आ गया था कि मेरे पास उसी न... वक्त की जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास काम बहुत ज़्यादा आ गया था और सीधी बात है मैंने जब डोमिनो छोड़ा था तो फाइनेंशियल इशूज़ मेरे बहुत सारे हो गए थे क्योंकि मेरी ठीक ठाक सैलरी थी आई यूज टू टीच फ्राम मॉर्निंग नाइन टिल नाइन पी और टेन पी और इलेवन पी तो वो बारह तेरह घंटे का जो मेरा बनता था okay. ठीक ठाक अमाउंट था, था। तो फिर मुझे फाइनेंशियल थोड़े इश्यूज हुए तो उसकी वजह से मैंने फिर ये काम शुरू किया और जब हमें यहाँ से पैसे मिलते थे तो तो जाहिर है फिर जो पैसे मिलना शुरू तो आपने फिर की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ड्रामो में था। अच्छे था। खासे एयर सब पहले तो ये होता था ना आपने आज शूट किया कल सो एयर हुआ हुआ खुशबू का घर मन के मोती ये सब आना शुरू हुआ फिर मुझे अच्छे ड्रामाज जैसे ये थे आ, मेरा नाम यूसुफ़ है और ये सब मिलना शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा आप मुझे यहाँ पे टाइम देना चाहिए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था घर वाले अभी घर की मुर्गी दाल बराबर उनको कोई आप उनसे पूछ लें क्या चल रहा है नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ नहीं मतलब थोड़ी सी अम्मी अबू तो तब तक नहीं थे आपके पास हाँ। 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 लेकिन वैसे दूसरी अम्मी जो है उनसे कोई रेजिस्टेंस उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको कोई मसला नहीं था किसी को कोई मसला नहीं था ओके तो बल्कि जब शुरू में हम जाते थे ना तो सुबह से रात तक काम करना होता था तो मेरे ससुर साथ जाते थे और वो बैठे रहते थे साइड पर जब छुट्टी होगी तो साथ चलेंगे तो कितनी सपोर्ट मिली हाँ और शुरू में ये होता था कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे थे जहाँ के जो लोग थे ओनर तो नहीं उनके नीचे वाले जो होते हैं ना शाह के वफ़ार वो कहते हैं तुम गुलशन में रहती हो ओ ओफ बहुत दूर है रक्षा करके आ जाओ गाड़ी नहीं भिजवाएंगे तो ओके तो मैं कभी बाइक से कभी रिक्शे से जैसे भी होता था मैं चली जाती थी कि भाई आपका काम है आपको जाना है तो ऐसे जाते थे मैंने ये बात आपकी पहले भी कहीं सुनी थी मैं सोच रही थी कि ये जो सिटीज़ में एरिया वाइज मेंटली डिस्क्रिमिनेशन होती है जो हमने बनाए हुए ग्रुप्स वो कितने हमारे यहाँ पेनिट्रेट किए हुए हैं कि वो हर जगह सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको रिसेंटली एक शूट पे खातून कह रही थी क्या हो गया मैं कोई डिफेंस में रहती हूँ दो कदम पे तो फिर मैंने अपना <laughs> <laughs> हम अफोर्ड नहीं कर सकते डिफेंस में मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या है ठीक है हमें फोर्टी फाइव मिनट फिफ्टी मिनट्स लगते हैं अभी भी जब मैं घर से आई हूँ मुझे फोर्टी फाइव मिनट्स लगे लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भाई आप जब कास्ट कर रहे हैं सब कुछ है अब तो खैर ये चीज़ ख़त्म हो गई है लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी भी, भी, भी मुझे लगता है, है जो ये बात आपको बावर करा रहे होते हैं कि तुम गुलशन से बेचारे खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार है खुद है वरना से क्या फर्क पड़ता है आप मुझे है। अब तो अब तो हर जगह हर किस्म के लोग हैं अगर पहले पहले भी हर जगह और अब भी लोग है। आते हैं पिक करने हाँ। के लिए अब कोई ये नहीं बोलता गुलशन मतलब शुरू की मैं बात बता रही हूँ तब मुझे कहा जाता था कि आपको कन्वेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे और आप रक्षा टैक्सी बाइक कैसे भी आए हमें नहीं पता आपने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं जैसे ये आप बता रही हैं फिर नापा में भी आपको काफी फेस करना पड़ा जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो आपको ये भी सुनने को मिला कि तुम बहुत देसी लगती हो और हम तुम्हें बहुत उस तरह के रोल नहीं दे सकते हुँ, हुँ. यही थी या कुछ और भी से रिलेटेड भाई मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ बाइक पर ऑडिशन देने अब आपको पता है अगर आप बाइक बना के हस्बैंड के साथ हस्बैंड के साथ ससुर के साथ तेवर के साथ तो अब आप जब बाइक पे बैठेंगे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे तो आई यूज टू वेयर हिजाब क्योंकि हमारे यहाँ सब पहनते हैं तो इट्स नॉर्मल तो मैं हिजाब पहन लेती थी और ऊपर वो होता है ना कि अच्छा पेंट शर्ट का कोई सीन नहीं था हमारे, सच्ची बात है शुरू में मतलब इतना सीन नहीं था कि जब एक अच्छी जगह से मुझे कमर्शियल ऑफर हुआ तो उन्होंने okay. तो उन्होंने कहा यू हैव टू वेयर एंड वाइट शर्ट आई नॉट हैविंग अ सिंगल क्योंकि हम लोग पहनते नहीं थे तो मैं अपने हस्बैंड की थर्टी टू वेस्ट की जीन्स पे बेल्ट शर्ट लगा के ऑर्डर <laughs> okay. yeah. तो ये सीन था hmm. तो uh, मैं ये सोचती थी कि अच्छा बाल खराब हो जाएंगे ये वो मेरे बाल ना बहुत ज्यादा फ्रिज और इस तरह के थे तो मैंने कहा अच्छा मैं हिजाब पहन के चली जाती हूँ तो वो लोग ना उस चीज़ पे जज करते थे कुछ लोगों ने मुझे बोला तुम बाइक पे मत आया करो प्रोडक्शन हाउस के आगे बाइक रुकती है ना तो अच्छा नहीं लगता फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना इतना बड़ा कुर्ता पहन के क्यों आ गई मतलब टाइट्स के साथ कुर्ते नहीं पहनते लोग लम्बे hmm. लम्बे लो, वो पहन yeah. के वो पतली सी थी मैं ये क्यों पहन गया जींस शर्ट पहना करो तुम स्मार्ट लगोगी और जब ऑडिशन पे आओ जींस शर्ट पहन के आओ तो मैंने उनसे ये सवाल कर लिया कि जब हम ड्रामा करते हैं तब तो हम शलवार तो पहने होते हैं ना तब तो कितना ख्याल होता है यहाँ भी पिन लगा लो यहाँ भी पिन लगा लो यहाँ भी पिन लगा लो होता है ना ये सब। तो मैंने कहा क्यों नहीं होता कुछ हाँ। तो बस उसके बाद मेरी बेजती होती है मुझे निकाल देते हैं आराम <laughs> से बोल दिया इसके अलावा भी कुछ अपेस पे कलर पे भी सुनने को मिला कभी आपको कलर पे तो ये होता था कि जब मैंने पहले पहले सोप किया था ना तो का मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मुझे बोलता था तो मैं कॉलेज का स्टूडेंट दिखाया मेकअप करने की जरूरत नहीं वैसे लगा लो आप कभी मन के मोती देखना <laughs> तो एक तो ये सीन ऊपर से कोई सेंस ही नहीं था कि कुछ लगाना है तो वो मेरे से वो लगाता था और वो काजल आता है था, था, बाकी लड़कियां ना लगा रही होती थी 45 मल रही हैं आइवरी मल रही हैं गोरा होने के लिए फिर जब हम दूसरे चैनल पे गए तो पता चला अच्छा गोरे होके भी आते हैं टीवी पे फिर जब मैंने ये वाला एक्सपीरियंस किया ना फिर मैं एक शो करती थी कबूल है

तो मैं समझती थी, थी शायद मेरे करने से ये भी है ये लोग कहते हैं आपको ठीक है मुझे भी बहुत ये बात सुनने को मिली लेकिन जो लोग जो अच्छे चैनल्स थे जो अच्छे प्रोडक्शन थे थे वो कहते थे, आपका कॉम्प्लेक्शन बेस्ट है ठीक है ठीक है वो कहते थे कि ये जो वीटेस वाला होता है इसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा होता है जिनको काम आता था नहीं। जिनको नहीं आता था उनके फिर मसले थे कि गोरी लड़की लेंगे हम और ये होगा तो मैंने हर चीज़ को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता वो होता है ना तुम दिए मुखालिफ से ना घबरा तो वो वाला सीन था तो शुरू से कुछ आपने कोशिश नहीं की अपेरेंस को भी चेंज करने की अपेयरेंस चेंज करने की कोशिश की डेफिनेटली कपड़ों में चेंज आया चीज़ों में चेंज आया शॉपिंग की फिर उसमें जो मेरी ग्रूमिंग में सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी ने सिखाया समझाया तो वह वैसन तालिश हैं और उनकी वाइफ तस्नीम उन्होंने बाकायदा जा हमने एक ड्रामा किया था पार्साई तो उसके अंदर उनकी वाइफ मुझे लेके गई थी उन्होंने मेरा डाई करवाया था और फिर उन्होंने कहा तुम लेंसेज लगाओ इस कैरेक्टर के लिए और तुम्हें ये सब करना है फिर वो मुझे बाकायदा शॉपिंग करवाने लेके गई थी कि देखो जब चेक मिला करे तो उसमें से टेन परसेंट अपने कपड़े बनाया करो क्योंकि स्क्रीन पे तुम तो आ रही हो तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई वक्त के साथ साथ जिस चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा वो ये कि मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं ग्रूम भी हो गई हूँ मैं काम भी अच्छा कर रही हूँ मुझे अच्छे ड्रामाज ऑफ़र भी हो रहे हैं और सब कुछ है लेकिन फिर जब ये होता था कि आपको किसी अभी भी ना लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम इतनी प्यारी हो तुम पहले तो और अच्छी होगी तो तुम्हें लीड कैरेक्टर में क्यों नहीं लिया तो मैंने कहा जिनको लेना था वो ले चुके जैसे मैंने एक ए टी वी पर किया था आरिफ खान साहब के साथ तो इट वॉज़ ए लीड कैरेक्टर विद उमर शहजाद तो उसके बाद ये होता था कि आपको ना कभी किसी ने बोला कि अच्छा भाई मज़ा तुम्हें लीड पे लिया तुम ऐसे ऐसे कपड़े करके ना बीस पच्चीस जोड़े और ये वो करके सब सेट कर लो सुबह दस बजे गाड़ी लेने आएगी मैंने कहा ओके और मैं बहुत खुश ना सबको बोले मैं हीरोइन बनने जा रही हूँ और फिर उसके बाद सीन ये हुआ कि ग्यारह बज के गाड़ी नहीं आई मैंने पूछा क्या हुआ आपको ना चैनल ने मना कर दिया मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो चैनल वाले थे कौन जो मना करते थे <laughs> इस क्यों फेस so, करना पड़ रहा था आपके ख्याल में वट इज़ द रीज़न पता नहीं मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि क्या रीज़न था और जिन लोगों के मुझे नाम देते थे ना कि उनकी जगह उनको अप्रूव कर लिया उनकी जगह उनको अप्रूव तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या ऐसी कमी है हाउ इम्पॉर्टेंट यू थिंक ग्रूमिंग एक्टिंग स्किल्स एजुकेशन ये सब किस तरीके से आप के एडवाइस करना चाहेंगी लड़कियों को कि वो इन चीज़ों पे फोकस करें अच्छा ग्रूमिंग तो अब बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों को बहुत ज़्यादा सेंस हो गया है अवेयर हो गए हैं चीज़ों yeah. से कि कब उनको क्या करना है अब तो बच्चियों को ये भी पता है कौन सी बेस लगानी है क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा तो ग्रूमिंग येस yes, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा ये कि जब हम लोग थे तब कोई इतनी गाइडेंस नहीं थी अगर आपको लकीली कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो शायद आपके पाप और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं जब नहीं होता तो फिर आपको मसला होता है जो मैं ये समझना चाहती हूँ मैं अगर हमारी इस बात से कुछ लोगों को गाइडेंस मिल जाए कि आप कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चलती थी और आपको यहाँ से एक स्ट्रगल होटल हाँ। थी एक हर्डल यहाँ से होता था एक चैलेंज यहाँ से होता था कोई दिल दुखाने वाली बात यहाँ से आ गई कोई अजीब सा यू नो या ऑडिशन में मना यहाँ से हो गया या रिजेक्शन यहाँ से आ गई तो कोर्स दिल पे कुछ होता होगा ना कि यार मैं एक तो ये क्या चंदा तो, सुनो चंदा में मैंने इतनी तैयारी की सब कुछ हुआ और मुझे कास्ट किया गया बिलो के कैरेक्टर में सब कुछ और मैंने आई गेस एक दिन काम भी कर लिया उसके बाद मैं तीन दिन घर बैठी थी क्यों वजह नहीं मुझे वजह नहीं हाँ आप मना कर दिया आपको बट देन दे कॉल यू बैक बट आपको नहीं पता बीच में क्या हुआ पता है लेकिन आप पता ही नहीं <laughs> <laughs> तो और उस वक्त भी मुझे सपोर्ट किया कैसन सर उसके डायरेक्टर और जो उनकी वाइफ हैं तस्नीम उन्होंने मुझे कहा तुम बस दुआ करो नमाज हाजत पढ़ो अल्लाह मियाँ से कहो तुम्हारे नसीब में होगा तो कोई नहीं लेके जाएगा तुम्हें वापस मिलेगा और ऐसे ही हुआ <laughs> ऐसे मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जब उन्होंने मना कर दिया गुस्सा भी चढ़ता होगा फिर नहीं आती यार, अब ये गिरती थी खड़ी होती थी उसका क्या प्रोसेस था जहन में क्या चल रहा था कितनी बार क्या सोचा पापा की बात ना कि आप कूद गए तो फिर आपको बस निकल के आना ही है या हाँ, तो आप छोड़ दें उस रास्ते को जब हमें जॉब में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे सब जगह ही प्रॉब्लम होती थी और मुझे लगता है कि मेरे सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में रहते हैं okay. तो वहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम होती थी, थी तो पापा कहते दे थे देखो तुम्हारा अपना फैसला था जॉब करने का ओके okay. अब या तो रिज़ाइन दे के निकल आओ बाहर hmm. या फिर अगर चली गई हो तो फिर अपने आप को मनवा के बाहर आओ okay. मैंने कहा ओके okay, तो वही थ्योरी आपने यहाँ भी अप्लाई की अब शुरू से चाहती थी कि लीड पर आए या शुरू में था एंड ओवर द टाइम अब आपने शुरू में था कि... और अब भी लोग ना रहने नहीं देते आपके जख्म जो पुराने हो चुके होते हैं ना उनको मुंदमिल नहीं होने देते उनको खुरचते हैं मिलने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं यार तुमने लीड पे कभी काम क्यों नहीं किया मतलब बहुत सी हमारी जो फैंस uh, हैं वो भी लिख देते हैं कि आपको लीड पे आना चाहिए लीड पे तो मैं नीचे उनको लिखती हूँ कि आप अपना कोई ड्रामा बनाए तो मुझे कास्ट कीजिएगा मैं काम करूंगी में। आपने मेंटली ये डिसाइड किया कि बस अब मैं चूज कर कैरेक्टर सर ने मुझे बोला देखो सब कर, सब, सब कैरेक्टर की सब लोगों की ना अपनी अपनी एक जगह होती है अपने अपने ब्रैकेट समझाया और वो शेल्फ में जैसे बुक्स रखी होती है ना हमारी इसी तरह अब तुम इस चीज को समझ जाओ कि तुम लीड पे नहीं आओगी और जो काम तुम्हें मिल रहा है मतलब सपोर्टिंग कास्ट को हमारे यहाँ समझा जाता है कि बहुत समझ रही है ना सपोर्टिंग तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो वो, वो नॉमिनेट भी नहीं होते कहीं पे जैसे बिलो वाला कैरेक्टर था उसमें मैं कहीं पे भी नॉमिनेट नहीं हूँ जबकि आपकी सोच होगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कॉल करते थे मैसेजेस करते थे और एक मेरे फैन बाहर से आए थे डिनर करने ऐसे और मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ कि मुझे सिर्फ इनसे मिलना है और हम मॉल्स में जाते थे तो लोग इतने पागल हो रहे होते थे अरे बिल्लो आई ये तो Uh, मुझे नॉमिनेट किया मतलब कभी कहीं पे मेरा नाम ही नहीं आया किसी भी चीज़ में नहीं आया ना किसी अवार्ड फंक्शन में मुझे मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आपको नहीं बुलाया मैंने कहीं तो जो सच है वो तो सच है कड़वा है लेकिन है सच कि नहीं बुलाते ना बात करते वो मेरे ख्याल से एक मखसूस तबका है जो आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है एक दूसरे को <laughs> <वो>। <laughs> उसमें हम कभी शामिल नहीं हुए सो ओवर द टाइम इतने अरसे आप बारह साल से ज्यादा इंडस्ट्री में हैं ओवर द टाइम आपको लगता है कि अब कैरेक्टर रोल्स जो है हुँ. या सपोर्टिंग uh, रोल्स जो हैं उनकी अब इम्पोर्टेंस समझ आना शुरू हुई है इंडस्ट्री को अब क्या वो बेहतर लिखे जा रहे हैं क्या आप जो लोग जो एक्टर्स ये रोल्स कर रहे हैं उनको क्या वो इंपॉर्टेंस दी जाती है जब जो, जो वो समझते हैं या लीड एक्टर्स अभी भी प्रेफरेंस पे ही होते नहीं, हैं अब ऐसा नहीं अब नहीं ऐसा अब ऐसा नहीं जो समझदार जो अच्छे डायरेक्टर्स है जैसे मैं आपको बताती हूँ फैजान आज मेरे फेवरेट अली फैजान डायरेक्टर है अभी मैंने उनके साथ रिसेंट एक ड्रामा किया मतलब उन लोगों को पता है कि हमें किस को कैसे ले कर चलना है और मन्नत मुराद वजाहत सर ने मतलब कहीं पे भी जब आप ये सोचे कि वहीं पिक्चर्स जब बन रही थी ना कि भाई ये आप लोगों के आएंगे सबके अलग अलग वो चलेंगे आप यकीन करें हैं, हम चारों बहनें कह रही थी सर कहीं नहीं आनी हमें पता इट्स आप अभी कह रही थी कहीं नहीं लगनी वजाहत छोड़ दो सर ने कहा आप मुझ पर छोड़ें और उन्होंने मेरे कैरेक्टर को मतलब इतना ज्यादा हाईलाइट किया है, कि तो कि है वो जो बंद कमरों में बैठ के कर रहे होते हैं तो उनको ये एतराज है कि ये रिश्ता रिजेक्ट होने पे रोई क्यों है ये ऐसी आप कभी उस जगह आके तो देखो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं लिटरली मेरे अपने जानने वाले जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि यार हम इस सीन से ना रिलेट करते हैं हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ अभी कल खातून मिली मुझे कहती हैं ऐसी माएँ किस घर में होती मैंने कहा अस्सी फीसद घरों में होती होंगी आपको क्या पता जिनका एक बेटा होता है वो लोग पॉजिटिव होती हैं अपने बच्चों के लिए आप लाख अच्छे बनते रहे लेकिन आपके अंदर है तो ना एक चीज़ की आपकी चीज़ छिन गई है आपके घर में बहू आ गई है फिर बहुत लोगों ने ऐतराज़ किया लेकिन मुझे वजाद सर की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने हर कैरेक्टर को हाईलाइट किया बाकायदा सीन का मूड बताते थे वो कि मेकअप नहीं करना बगैर okay. ना पढ़ के ये नहीं करना, नहीं। वो नहीं। नहीं। मतलब उनके ना ये सब सारी उसी, ये से होती थी। तो वो मुझे अब अगर कुछ अच्छे डायरेक्टर्स जो हैं जैसे शेख हैं उन्होंने मुझे एक दिन के लिए बुलाया था तो उन्होंने कहा तीन दिन का काम है मैं और ये इस तरह इमरान अशरफ की मदर का कैरेक्टर तो कुछ हमारे सीनियर्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अब भी ये तुम हर किसी की अम्मी बन जाती हो तुम ये कैरेक्टर कर लेती हो तुम क्यों मैंने कहा क्योंकि अब मेरी ऐसी एज है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही हूँ तो जो मुझसे जो काम करवाएगा मैं कर लूंगी अच्छा वाला तो कहती हैं ये क्या बात हुई अच्छा वाला मैंने कहा उसमें भी मेरी लिमिट्स है ना कि मुझे क्या काम करना है एंड दैट्स इट कहते हैं लिमिट्स का क्या अब इंसान को जब पैसे ही कमाने हैं तो मैंने कहा तो उसके तो और भी तरीके हैं ना लेकिन मैं काम करके कमाना चाहती हूँ ओके <laughs> इस पॉइंट पे क्या चैलेंज 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 है एक्टर आपका कोई नहीं। अब तो कोई चारेंग चारेंग नहीं तो नहीं 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 काम काम हाँ मतलब और टीपू के और हम एक राहत गनी के अम्मा अब अभी जो मैंने सीरियल प्रोडक्शन क्या किया उसके अंदर जो बेबी बाजी में वो मेरा बेटा है और मुझे खुद भी यकीन नहीं आया जब वो सेट पे आया तो कहता है मैं आपका बेटा हैं और हमें सिर्फ कहा गया यंग टू ओल्ड कैरेक्टर है मैंने कहा अच्छा ठीक है जब देखा तो फिर सबने बोला कि तुम इतने बड़े बच्चों की अम्मी क्यों बन गई और ये वो मैंने कहा क्योंकि मुझे पता है कि भाई अब मुझे पैसा कमाना है मुझे जो काम मिल रहा है दैट्स इट और अच्छा काम मिल रहा है इट्स ओके और कोई वजह तो होती होगी ना कि आपको डायरेक्टर कॉल कर रहा है या कोई आपको अभी भी जैसे मैंने शदी भाई के साथ किया था बख्तावर तो उसके बाद शदी भाई ने मुझे अब दोबारा कॉल की ये कैरेक्टर के लिए कि मैं यहाँ पे नहीं है कराची से बाहर है तो मैंने कहा बच्चे की वजह से मैनेज करना मुश्किल होता है तो वो जो अपना नया बना रहे हैं ड्रामा उसके लिए उन्होंने मुझे कॉल की थी कि यू हैव टू कम और ये कैरेक्टर तो मैं ही कर रहा है तो खुशी होती है कि मैंने उनको भी बताया था शेख को मैंने कहा जब मैं पहले पहले आई थी ना आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया सॉरी 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 मैंने कहा मुझे याद <laughs> क्योंकि जो रिजेक्ट होता है ना जिसका दिल टूटता है उसे याद रहता है जो तोड़ता है उसे याद नहीं रहता <laughs> ये बात भी सही है तो जो नई लड़की लड़कियाँ आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं और वो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे स्पेशली हर कोई लीड एक्टर पर नहीं बन जाता लीड पर उसको नहीं मिलता और बहुत हार्ट डिसहार्टनिंग होता है आप सोच के आते हैं ओ हम तो हीरो बन जाएंगे लेकिन नहीं होता और कई कई बार जर्नी बहुत लंबा होता है फिर आप पहुंच जाते हैं आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे दो तीन बातें क्या कहना चाहेंगी वो जहन में रखें यार एक तो ये कि जो अल्लाह मियाँ ने आपके नसीब में लिखा है ना कि आपको मिलना है वो हर सूरत मिलेगा चाहे वो आपका जैसे सपोर्टिंग कास्ट मिले या आपको लीड पर आके मिले या जैसे भी मिले वो आपको ज़रूर मिलेगा और मेहनत जाहिर है वो घर नहीं तो छोड़नी नहीं है और इन छोटी छोटी चीज़ों से वो जो होते हैं हमारे साथ भी बहुत से लोग बैठे हुए थे कि उसने ये कह दिया इसने ये कह दिया उसने पिक्चर नहीं बनवाई तो इन चीज़ों को कभी भी ना दिल पे नहीं लेना चाहिए कि भाई एक्टर किसी भी मूड में होता है कभी ऐसा होता है कि आपका अपना मूड नहीं होता कि आप पिक्चर्स बनवाएं या बात करें तो लोग उस बेसिस पे ना आपको जज करना शुरू हो जाते हैं तो आप उन चीज़ों को छोड़ें बस मेहनत करें अगर आपके नसीब में लिखा है तो ज़रूर होगा ओके क्योंकि हमें तो बहुत सारे ऐसे उस्ताद मिल गए जैसे नबील भाई थे जैसे ऐसन सर हैं जैसे आरिफ ख़ान साहब मरहूम थे तो ये लोग हमें सिखाते थे बताते थे कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो अल्लाह ने तुम्हारी जगह लिखी है ना वो तुम्हें मिलेगी लेकिन बस दिल छोटा मत करो कभी ना कभी उस जगह तक पहुंच ही जाओगे तुम तो। लोग शादी कैसे हुई शादी जैसे सबकी <laughs> <laughs> तो लव, लव, लव मैरिज ओके okay. बचपन का प्यार तेरह साल की उम्र से okay. काशी okay. के साथ ही सेट था सब ओके कोई समाज नहीं था बीच में नहीं आराम आस पास के अपने लोग थे वो कहते हैं ना जब आपके पेरेंट्स चले जाते हैं तो बहुत सारे अम्मी अबू इधर उधर से खड़े हो जाते हैं तो वो आए थे लेकिन मेरी स्टेप मदर ने कहा कि नहीं मुझे यही करना है तो उन्होंने फ़ौरन ही अगले साल हम दोनों बहनों का निकाह कर दिया Okay. बातें खत्म हो जाए तो वो कैसे सपोर्ट करते हैं आपको ही ओके विद यू बीइंग एन एक्ट्रेस बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हर जगह कभी मुझे ऑडिशन जब शुरू में देने जाना होता था कुछ होता था तो वो मेरे साथ जाता था अच्छा और कभी किसी चीज़ पे होता है ना अब कभी कभी दिल जो दुख जाता है किसी से लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है तो या छोड़ दो इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम हर किसी से क्यों बहस करती हो क्योंकि मेरा पहले ना अब अब तो मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया है मैं बहुत जल्दी ना हाइपर हो जाती थी टेम्पर लूज कर जाती थी नहीं इसने ये किया ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए तो कहना अगर नहीं तुम इन चीज़ों को ना लाइट लिया करो अगर इतना स्ट्रेस लोगी तो नहीं अपनी तबीयत खराब होगी हाँ ये अलग बात है कि उसे नहीं पता होता मैं किस शूट पे हूँ मेरा कौन सा ड्रामा चल रहा है नहीं पूछना मैं ड्रामे देखते हैं कभी कोई फीडबैक बल्कि अगर मैं भी लगा लूँ ना तो कहता है मत हटाओ यार मतलब कैसी देखती हूँ तुम सीरियसली <laughs> बिल्कुल।, बिल्कुल बिल्कुल कोई बाहर पूछ भी लेना अरे आपने इनका ये तो ओके बट ही लेट्स यू डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू एंड uh, वो बिल्कुल आपको नहीं किसी भी चीज़ पे बस उसको बहुत मसले रहते हैं कितने कपड़े ना, बस कितने न पूरे घर में कपड़े फैले रहते हैं मैंने कहा जब तुम एक दिन में चार चार चारों शूट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा मेरे जूते में पाउंड डालोगे तो पता चलेगा तुम्हारी तरह लैपटॉप लेके ऑफिस में थोड़ी बैठते हैं फिर वापस उठ के आ जाते कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम लोग भी हमारे जूते में पाउंड बट वो समझ सकते हैं आपके चैलेंजेस को या फ्रस्ट्रेशन को या बस सुनते रहते हैं कि अच्छा इसको अपनी बड़ा सा हाँ, हाँ फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा काम डाउन हाँ, हो सिर्फ यही बात होती है वो उसकी सारी बात आप पूरी तकरीर कर लेंगे ना पूरे दिन उसने ये किया उसने ये किया ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है मेरे साथ हमेशा ऐसी अल्लाह देख रहा है ना बस ठीक है छोड़ो क्या तो सही रहेगा तो मैंने कहा फिर इतने उसी वक्त ही रोक देना यार हमारे भी तो एनर्जी लग रही है ना कि <laughs> दो दिन मुझे अच्छा, मैं नमाज पढ़ा जा रो अल्लाह बेहतर करेगा बेटा आपका कितना बड़ा है चार साल माशाल्लाह वो देखता है जब आप आ रही होती है कुछ कहता है वो देखता है मम्मा आप रो क्यों रही है टीवी में देख के ना मम्मा ये आपके आंसू कैसे आते हैं ऐसे करके पूछता है और वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कहता है हटा देना उसको अपनी तो बहुत छोटा है उसे समझ भी नहीं सही सकते उसे अपनी चीजें कभी अम्मी कोई ड्रामा देख रही हो ना तो फिर हाँ। कहते हैं मेरी मम्मा आ रही है फिर सवाल करता है आप मुझे शूट पर लेके चलेंगी मैं भी टीवी में आऊँगा फिर एक दिन ना मैंने उससे पूछा अभी उनके स्कूल में एक एक्टिविटी चल रही थी कि आपको क्या प्रोफेशन अच्छा लगता है तो उसने कहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कि मैं पायलट बन तो मैंने उससे पूछा आप एक्टर नहीं बनना चाहते कहता हैं नहीं का क्यों आप <laughs> बहुत लेट आती <laughs> उसने शूज नोट कर लिया मैं ग्यारह बजे घर पहुँचती हूँ गुलशन यू नो दस बजे ऑफ हुआ ग्यारह बजे पहुंचे <laughs> तो गरीब हवा में ग्यारह बजे पहुंचती है तो मुझे क्या बहुत लेट आती है पापा ना फाइव ओ क्लॉक पर आ जाते हैं तो मुझे पापा की तरह लैपटॉप लेके ऑफिस जाना है बच्चा समझदार है उसने ना अपनी प्रायरिटी सही की हुई है अभी तक मुझे पता है एज वर्किंग मदर एंड एज एन एक्ट्रेस जिनका हु उज अ मदर कितना मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना यार बस आराम करने का टाइम नहीं मिलता रेस्ट नहीं मिलता और मैनेज uh, uh, करना तो आसान है अगर आप ख़ुद से सोचें मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है कुछ नहीं है रियली really? मैं संडे को सारा खाना बनाती हूँ हफ्ते wow. का फिर उसे फ्रीज कर देती हूँ तो गैस चली जाती है नो you डिफेंस know, में भी जाती है <laughs> गुलशन में भी जाती है तो दस बजे से पहले मेरे हस्बैंड जो है खाना गर्म कर लेते हैं okay. और करने के बाद वो रोटियाँ मिलती भी जाती हूँ चाय बनी हुई होती है फिर हम खाना खाते हैं और चाय पीते हैं क्योंकि okay. वो बाहर का खाना बहुत कम ऐसा होता है कि mm -hmm. वो खा ले बाहर का खाना नहीं खाते mm -hmm. उनको मसले हैं थोड़े तो mm -hmm. क्या आपको लगता है हम औरतें अपने ऊपर प्रेशर डालती हैं कि हम हर जगह ग्रेट होना एज 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 अ अ अ अ मदर भी 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 एन एक्ट्रेस वाइफ सिस्टर डॉटर यार कोशिश तो होती है ये हम अनड्यू uh, प्रेशर नहीं हमने खुद अनफेयर uh, प्रेशर, प्रेशर के अलावा खुद डाला अपने ऊपर मुझे ये होता है कि एक चीज़ मैंने खुद ये जो फील्ड है ये मैंने खुद मंतब की थी अपने लिए कि मुझे करना है तो मुझे ये होता है कि बिंगा बहू देवरानी भाभी जितने भी जो भी रिश्ते हैं ना उन सबको मैं कंफर्ट दे सकूं मेरी तरफ से किसी को शिकायत ना हो जैसे बहुत बार ऐसा होता है देवर नंद का कोई रिश्ता देखने जाना है कुछ होना है तो मेरे से संडे का दिन रखते हैं अब उनको पता नहीं कि वो संडे कितने काम वाला दिन होता है मतलब सुबह वो इसलिए रखते हैं कि इस दिन ये होगी तो अब वो बेचारे क्या कह सकते हैं मना नहीं कर सकते फिर आप और भाई जब आपके हस्बैंड अच्छे हो तो आप ऐसी मना नहीं करते किसी चीज का <laughs> तो घर में हम लोग अमान रखने के लिए आपको जाना पड़ता है हस्बैंड अच्छा होना भी मसला हो गया <laughs> तो फिर मुझे ये होता है कि यार जब आपको कोई, कोई शिकायत का मौका नहीं दे रहा जैसे मेरी कोशिश होती है कि, कि किसी दिन ऑफ हो तो मैं अम्मी के साथ हम लोग रात को ना निकल जाते हैं ग्यारह बारह बजे कि अगर कल ऑफ है तो हम सब बाहर घूमने निकल जाते हैं मेरी बहन मेरी नंदे अम्मी अब तो छोटी बहन भी साथ होती थी वो बाहर चली गई है जो बहुत याद आती है हमें तो हम सब बाहर चले जाते हैं एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं बैठे हुए okay. हैं इंडस्ट्री सपोर्ट करती है वर्किंग मदर्स को वर्किंग बहुत मदर एक्टर बहुत बहुत, बहुत okay. मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया था वो सेवन स्काई ने किया था hmm. जब पेंडामिक uh, से पहले का दौर था कि सब सारे एक्टर्स वो हो गए थे कि मैं काम नहीं करना एंड ऑल दैट तो मेरा बेबी छोटा था hmm. और मैंने सिक्स मंथ्स तक उसे मदर फीड पर रखा मतलब hmm. कोई टॉप मिल्क नहीं था तो मैंने जब वहाँ से कहा कि भाई मेरा बेबी छोटा है और मैं इस तरह काम करना रमज़ान थे तो मुझे अलाउ किया गया कि आप अपने बच्चे को मैं सीरियल में काम कर रही थी तो मुझे अलाउ था कि मैं उसको जाके रूम में फ़ीड करवाती थी मेरी अम्मी के साथ होता था okay. तो मुझे ब्रेक मिलती थी कि जब वो रोएगा तो मैं उसे फीड करवाऊंगी फिर एक अमसा कामरान और कामरान को जानती होंगी आप उनके प्रोडक्शन हाउस में भी ये था कि आप बेबी को साथ लेके आए आप उसको बल्कि जब वो रो रहा होता था ना तो हम्सा उसको लेके कहती थी यार क्लोज करवा लो मैंने पकड़ा हुआ है और मेरा बेबी जो है उसको कॉलिक था और वो इतना ज़्यादा था कि वो मतलब चार चार छः घंटे ना मुस्तकिल रोता था hmm. तो उसको ना हम ऐसे उल्टा करके यूं यूं करती hmm. रहती थी कि इसका इलाज अभी ठीक होगा अभी तुम hmm. बस क्लोज करवा के आ जाओ तो ऐसा था कि मुझे बहुत सपोर्ट किया सबसे ज्यादा मुझे ने किया था कि आप अपना बेबी लेके आए कोई प्रॉब्लम नहीं That's so good to hear कि है कि इंडस्ट्री भी चीजें बस आसपास के लोगों को होता था अल्लाह ऐसी भी क्या मजबूरी तो सब सेट पे इवन इफ द प्रोडक्शन सपोर्टिंग आ, आसपास के लोग हम एक सेट करते, करते थे थे उसके अंदर जो हाँ। मेरे हस्बैंड बने थे ना उनको बहुत थे मेरे साथ बहुत थे आखिर में तो उन्होंने कह दिया था मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा तो उन्हीं को ही निकाल दिया था मुझे रख के उनको निकाल दिया था कि आप चले जाए तो वो ना जब आहिल को देखते थे तो उनको ये होता था तो छोटे बच्चे को कैसे इतने यहाँ जर्म्स ये वो यूं ऐसे करके ना वो बार बार मुझे ये जतलाते थे फिर एक दिन मैंने उनको बोल ही दिया क्या लगा कैसे ना यूं मेरी बिचिंग कर रहे थे या तो आप सामने बोल दें कि कैसे ऐसे करके मदर फीड और वो भाई ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम इतने से बच्चे को उसके अंदर ये दिखाया था कि मेरा जो पाँचवा बेबी है वो आहिल है तो ज़ाहिर आहिल को होना था एंड एवरी वन नोज की मैंने कुछ चार्ज नहीं किया था कोई वो नहीं था वो दोस्ती यारी बहनों वाला सीन था कि भाई ठीक है हम करेंगे तो क्योंकि उसमें मेरी जो एपिसोड्स होती थी उसमें भी मैं प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने कहा भाई बेबी तो दिखाना है हमें कि बेबी हुआ है बच्चा चक्का गया तो वो साहब ने इस तरह से बातें कर रहे थे मैं उनके सामने गई मैंने कहा आपको फीड करवाना पड़ता है इसको हैं क्या मैं कहा आपको फिट करवाना पड़ता है आपके काम में क्या हर्ज हो रहा है ना आहिल के रोने की वजह से कभी सीन रुका ना कुछ हुआ तो फिर आपको क्या मसला है तो ये जो आसपास के लोग होते हैं ना उनको ज़्यादा मसला होता है जो ऊपर वाले होते उनको नहीं होता आपके साथ कोई मसला सबको आपको लगता है एज एन इंडस्ट्री एज पार्ट बीइंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्री हम अपना माइंड थोड़ा सा बिल्कुल मैं नेदा के शो में जाती थी सुबह आहिल को लेके जाती थी और वहीं पे पीछे आहिल बैठा होता था शो कर रहे हैं जब ब्रेक हुई जल्दी से फीड करवा निदा को पता होता था मुझे लगता है अब हो गई अवेयरनेस और लोग सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है आसपास के लोग भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हैं वो हुँ. भी अब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि किसका क्या मसला है उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट हाँ. करते हैं इक्का दुक्का तो इशू तो हर जगह होता ही रहता है वो तो आप नहीं कह रहे जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है वहाँ वहाँ आपको उन लोगों को फेस करना पड़ता है कि क्या मजबूरी है घर में प्रेगनेंसी में क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी लास्ट डेज तक काम किया मोहब्बत तुझे अलविदा सुनो चंदा पीका भुषावेज इन सब की शूट पर जाती थी मैं तो लोगों को बड़ा एतराज़ होता था कि पता नहीं ऐसी भी क्या मजबूरी है मैं क्या भाई कमिटमेंट है Yeah. नहीं बिल्कुल ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है एक्टिव रहना और आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं एटलीस्ट मैं घर में बैठ के शोर हाँ। तो नहीं मचा रही थी ना कि यहाँ दर्द और वहाँ दर्द और चक्कर हाँ। आ रहे हो मतलब मैं बस मैंने एक वीक पहले ऑफ लिया था वो भी मैंने बरकत सिद्धी को कहा था ऑफ थे दे दे। <laughs> <Okay. laughs> आपके फादर की दोस्त शादियाँ आपके फादर ने बहुत शादियाँ की थी एंड आप बड़ी ओपनली उस चीज़ के बारे में बात करती हैं इस टॉपिक पर इस बात करना चाहिए थी कि बहुत से लोग इस चीज़ को फेस करते हैं लेकिन हमारे यहाँ हमेशा एक तो स्टेप मदर्स को बहुत नेगेटिव दिखाते हैं हुँ. और ये कॉन्सेप्ट के दो बीवे एक घर में उसको बहुत ज़्यादा एक तो टैबू समझा जाता है उस पर बात नहीं की जाती हम हमेशा समझते हैं बहुत अजीब सी चीज़ें ओ ये कैसे और किस तरह यू नो हालांकि बहुत जगहों पे हो रहा है ये है कॉमन प्रैक्टिस है बहुत से लोगों के लिए घर में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है आपकी ज़िंदगी कैसी थी आपके फ़ादर ने क्या दो तीन चीज़ें की जिसकी वजह से आप अपनी स्टेप मदर के साथ इतनी अटैच हैं आप इतनी रिस्पेक्ट से उनसे बात करती हैं आपके फादर के जाने के बाद भी आपने उनका भी ख्याल रखा वो आपको सपोर्ट कर रही हैं फादर कह के गए थे कि ख्याल <laughs> लेकिन आप छोड़ भी सकती थी ना ये इसका तो उन्होंने भी बहुत रखा ना वो बहुत हाँ। यंग एज में वो हुई थी लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी मैं साथ उनके बच्चे एक सेवेंथ में था एक फिफ्थ में थी लेकिन उन्होंने कहा मैं छोड़ के नहीं लोगों ने बहुत कहा वापस चलो शादी हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं मैंने वादा किया मैं नहीं जाऊंगी तो दोनों तरफ से उन्होंने भी और आपने अच्छा हमारे यहाँ सबसे पहली बात जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है कि आ, पापा ने तो जो रोल प्ले किया वो किया लेकिन अम्मी ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया और अम्मी ने जिस तरह हमारी कहते हैं ना कि आप बच्चों के दिमाग में जो डालते आए वो सर्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड मेरा भाई सात साल का था मेरी बहन आठ साल की थी तो सबसे ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि इफेक्ट नहीं हुआ मेरी बहन के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था इस चीज़ का और उसके लिए थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल था कि लोग क्या कहेंगे वह आपके स्कूल में होती है ना बातें कि अच्छा आप हैं और ट्यूशन पर जा रहे हैं मदरसे जा रहे हैं तो लोग जो है हमारा पूरा रूटीन बना हुआ था कि अब हमारे ट्यूटर आएंगे अब हमें मदरसे जाना है अब स्कूल जाना है तो वहाँ पे लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी क्योंकि नहीं। जब अम्मी घर में रहना शुरू हुई लेकिन मेरी अम्मी ने कभी हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये दूसरी अम्मी है या इनसे नफरत करनी है या बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ शायद आपको यकीन ना आए कि अम्मी ना गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हैं टीचर भी थी तो अम्मी जब आती थी ना तो वो चीज़ें लेके आती थी छोटी छोटी जैसे अमरूद का सीज़न है शहतूत का सीज़न है तो वो ऐसी चीज़ें लाती वो ला के ना सबसे पहले कह दी थी तलहा सुंदरस को दे दो तुम लोग तो बाहर भी रहे हो हम लोग सऊदिया में रहते थे तुम लोग बाहर रहे हो तुम लोगों ने ज़िंदगी के सारे मज़े किए हैं इन बच्चों ने अभी क्या देखा है तो वो कहती थी पहले उनको दे दो अगर बच जाए तो तुम लोग खा लेना मतलब मैंने ऐसी माँ नहीं देखी कभी ये आपकी अम्मी। मेरी अम्मी और मतलब उन दोनों का उनके बच्चों को भी और जब मेरी बहन हुई थी तो शायद मेरी शायद शायदी को उतनी खुशी नहीं हुई थी अभी दूसरी अम्मियां जितनी मेरी अम्मी को खुशी हुई थी वो कहती थी मुझे गोद दे दो जब बेटी हुई थी और बहुत एक्साइटेड होके उसको लेने के लिए गई थी कि भाई हमारे यहाँ बेटी हुई और और कभी भी उनकी बर्थडे हमारे साथ मनी सब कुछ हुआ मतलब अभी जनवरी में दोनों बहन भाइयों की शादी हुई है तो मतलब किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हम हमारा ये रिश्ता है क्योंकि ये आपके माँ बाप पे डिपेंड करता है ना उन्होंने कभी वो जो दिखाते हैं ना हमारे जल्लाद वाली माएँ कि मार रही हैं कंप्लेन करी है वो हमें बस ये डर आती थी हम छोटे थे बेवकूफ थे वो कहती नी कैमरा लगा हुआ है पापा देख रहे हैं जबकि वो पापा को रिपोर्ट करती थी कि हम क्या कर रहे हैं <laughs> और हम समझते थे कि वाकई में और कभी कहती थी डिवाइस रखी हुई है तुम लोगों ने आज जो शैतानी की थी पापा को आवाज चली गई आपकी अम्मी कहती थी ये दूसरी वाली अम्मी हमें डराती अच्छा, थी अम्मी तो जॉब पे होती थी ना तो हमें डराती थी तुम लोगों ने ऐसे किया था ना पापा आप सुननी नहीं होंगी बात आप लोग को तो वो बता दी थी पीटी सेल में पापा को बता देती थी इन्होंने आजकल तो बच्चे पकड़ ले का डिवाइस कहा इतने बेवकूफ थे हम कहते थे अच्छा ठीक है और फिर हमें कभी भी इन चीज़ों से आप ये सोचें कि दोनों एक जैसे कपड़े पहनती थी दोनों के पास सारी चीज़ें एक जैसी थी और अगर एक रोटी बेल रही है तो दूसरी पका रही है उसे। एक सालन बना रही है दूसरी सब्जी काट रही है तो हमने ये वाला माहौल घर में देखा है और दोनों साथ साथ जाती थी तो सबको पता था कि हाँ भाई नॉर्मल है ये हाँ आने वालों को बड़ा अजीब लगता था बहुत बार अक्सर ऐसा होता था बहन का कोई रिश्ता आया तो लोग मना करते थे कि नहीं इनकी दो माएँ ये चीज़ हमने फेस की मेरी बहन के प्रपोजल्स आते थे तो लोग कहते थे नहीं, इनकी दो माँ हैं भाई पता नहीं कैसी तरबियत हुई होगी तो ये सवाल उठते हैं वो तो जो अलमिया है हमारी सोसाइटी का वो तो है ना नहीं। 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 लेकिन मुझे कभी उनसे मसला नहीं हुआ मैं उनको शोज़ में भी लेके जाती हूँ साथ जाती हैं कहीं तकरीब में जाना हो मेरे साथ होती हैं अगर मेरा कोई कराची से बाहर कुछ हो तो छोटी बहन जाती थी साथ फिर अब अम्मी जाती हैं माशाल्लाह से आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी जो लोग सुन रहे हैं हस्बैंड्स जो सुन रहे हैं जिनकी दो बीवी हैं कि वो कैसे मैनेज करें या औरतों को यार बस मैं मैंने अम्मी को जो देखा था ना जब हम थोड़े मैच्योर हो गए थे तो अम्मी को जब मेरी बहन सवाल करती थी कि क्या मजबूरी थी बेटा भी था बेटी भी थी क्योंकि हम तीनों थे और ठीक ठाक फैमिली फिर हम बाहर रहते थे तो अम्मी कहने लगी कि बजाय के दो अलग अलग घर होते और तुम्हारे पापा इस तरह जाते और मैं बार बार फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब करती तो उससे अच्छा क्योंकि अम्मी का एक तरीका था कि अगर खुदा खासा किसी का इंतकाल भी हो गया ना तो अम्मी पहले पापा आएंगे वो नहाएंगे खाना खाएंगे फिर हम भी उनको आराम से बताएंगे कि हार्ट पेशेंट है कहीं अचानक से सदमा ना हो okay. जाए वो बहुत ख्याल रखती थी उनका बहुत ज़्यादा okay. दोनों okay. तो उनको हमेशा यही रहता था कि ना नहीं नहीं अगर मैं इस तरह करती तो तुम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता तो मैंने साथ ही रखा okay. अब ये कितनी अच्छी बात है ना yeah. कि मतलब पापा बटे हुए होते और अम्मी ने yeah. कहा कि बजाय के वो चोरी छुपे करते फिर मुझसे छुपाते तो उससे बेहतर ये है कि आप सामने कर लें साथ रह लें तो ये मसला नहीं होगा कि तुम कहाँ थे अब पापा जब घर आएंगे तो घर ही आएंगे ना yeah, के true, पास, true, तो बट yeah. उन्होंने आप लोगों का सोचा ना कि बच्चों yeah. को बात क्या मिस नहीं करे या कुछ भी कहीं भी कमी नहीं जी. और उन्होंने उसको और पापा का भी सोचा ना कि इतनी hmm. उनकी ट्रैवलिंग हो जाएगी कि भाई वो उधर हैदराबाद जा रहे हैं है मैंने घर ले ही आया hmm. तो वो वह होकर यही आई थी चलें थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एंड द आइडिया वॉज दैट कि इस टॉपिक पर अगर बात कर ली जाए जो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं शायद उन्हें कोई गाइडेंस मिल जाए या फिर जो लोग इस चीज को में है उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम अकेले नहीं और भी जगहों पे ये चीज़ हो रही है तो इसलिए हमने सोचा हम इससे बात करें आपका अपना फेवरेट ड्रामा कौन सा है अपना एक तो सुना चंदा है एक ताबीर है ओके okay. जो बहुत मेरा फेवरेट था इमरान अशरफ ने लिखा था ताबीर और उसमें मुस्कान नाम था मेरा बहुत अच्छा था उसके डायलॉग्स और चीज़ें और परफॉर्मेंस तो वो कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता हो अपना यार मैंने एक किया था वो पता नहीं किसी ने देखा भी या नहीं देखा <laughs> एक ड्रामा मैंने ए प्लस का किया था तो कभी कभी ऐसा होता है आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना तो आप पे इतना ज़्यादा तारी हो जाता है hmm. या शायद मैं घर से दूर थी तो आई वेंट टू इस्लामाबाद और उसके डायरेक्टर थे जासिम okay. और उसमें थे नूर हसन okay. दूसरे जी 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 ठीक है तो उसके अंदर ये था कि वो बहुत अच्छी फैमिली से होती है सब कुछ होता है हस्बैंड होता है बच्चा होता है फिर अचानक से उसको जो है प्रॉब्लम हो जाती है इशू हो जाता है तो वो हॉस्पिटल जाती है और अपना बहुत सारा नुकसान करती है चीज़ें उठा उठा के फेंकती है चीखना चिल्लाना इस तरह से mm. फिर पता चलता है कि जो उसकी पीछे कज़न थी जैसे उसने बचपन से पाला है उससे उसके हस्बैंड ने निकाह कर लिया तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी ना वो सब कुछ और फिर मैं घर से दूर थी तो जब मैं करके आती थी ना बहुत देर तक रोती थी और दो तीन दिन के बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इलाज की ज़रूरत है और मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी चाहिए कहते क्या हो गया तुम वापस आ जाओ छोड़ दो तो ड्रामा कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आप पे बहुत हावी हो जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत मसला हुआ था फिर जब मैं वापस भी आ गई थी ना तब भी मुझे आप सोचें मुझे ऐसा लगता था बैठे बैठे ना मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था ही वॉज विद मी माई यंगर सिस्टर वॉज विद मी तो जब मैं वापस आती थी मैं कहती थी हाँ तुम लोगों को ये नहीं बस बस कैमरा क्लोज़ हो चुका है पैकअप हो गया है आराम से मैं कहती थी, थी चाय नहीं बनाई ये नहीं क्या हो रही है आराम से पैकअप हो गया पूरा दिन बच्चे को संभाला है उसने अब जाके तुम चाय बनाओगी तुम्हारी बारी है <laughs> तो वो चीज़ ना मुझ पर इतनी हो गई थी कि अच्छा नहीं जो मैं ऑर्डर दे रही हूँ वो मेरी बात सुनो वरना अच्छा नहीं होगा बट yeah. <laughs> अब कुछ आप करती हैं कि ऐसा कोई कैरेक्टर आप पे हावी ना हो जैसे अभी फजीलत वाला भी है वो भी इज ए टोल ऑन यू मुझे लगता है बहुत मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रेसफुल कैरेक्टर लगता है वो यू नो कहीं आपको और उसमें हर जगह ना मेरे ऑलमोस्ट रियल टीयर्स हैं उसके अंदर जब मैं कर रही होती थी ना तो पता नहीं जब परफॉर्म करती हूँ कुछ ऐसी लाइंस या चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अच्छा hmm. या कोई बेबी से रिलेटेड हो बिकॉज आई हैड थ्री मिस कैरेजेस तो वैन आई हैव दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर या कुछ ना तो मुझे खुद ही एक अंदर से फीलिंग आती है कि hmm. yeah. होता है हाँ इसके अंदर फजीलत वाले कैरेक्टर में दुख का कहीं ना कहीं एंगल मिल जाता है या उस उस कमी का कमी हाँ. तो मैं नहीं बोलूंगी सॉरी आई विल रीफ्रेज इट

बहुत होता है ना ये मदर्स गिल्ट तो आप कितनी स्ट्रांग है वो गुलशन से डिफेंस तक यू you नो know. <laughs> इस इस वाले एपिसोड तो, का नाम होगा गुलशन से डिफेंस तो वो जो रास्ता होता है ना उसके अंदर आ गया बार बार ना ऐसे लग रहा होता है पर नहीं स्कूल में क्या काम कर रहा होगा मैं उसकी टीचर को प्रिंसिपल को सबको मैसेज करती हूँ आयल की पिक्चर भेज दें आहिल ठीक है क्या कर रहा है छोटा अच्छा। भी तो है ना अभी हाँ और सेट पे मेरी लड़ाई हो जाती है कि नहीं आज आज पीटीएम है मैं लेट आऊंगी नहीं आज मुझे बच्चे के स्कूल जाना आज मैं लेट आऊंगा मेरा जनवन रीजन है मैं लेट आऊंगी अच्छा भाई ठीक है लेट तो आ तो ये, ये ये इश्यूज़ है ना फिर हमें इस पे बात करनी चाहिए थी हाँ, ना कि ये वर्किंग मदर्स को इस तरह की चीजें ये हाँ, ये थोड़ा सा फिर सपोर्ट की जरूरत है इंडस्ट्री की तरफ से ना की हाँ। जो आपको फाइट नहीं करना पड़े इट शुड बी इजी थिंग लेकिन क्या हो, है। हो सकता आप है आप ये बताया हमारी सुबह नौ से रात के दस बजे तक ये तो मुझे नहीं पता ये तो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए बिकॉज एज यू नो मदर्स आर कमिंग इन दिस फील्ड मुझे बहुत नो फैमिली की तरफ जा रहे हैं तो ये घर अलाउ भी है कुछ एक्टर्स अपने बच्चों को लेके भी आते हैं कुछ ऐसे होते हैं शाम में आ जाते हैं लेकिन मैं खुद ही अपने बच्चे को नहीं बुलाती क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं उस इन चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ और उसकी रीज़न बस ऐसी आ, यहां मैं चाहती हूँ जो स्ट्रगल जो मेहनत जो इतना कुछ हमने कर लिया है ना तो मैं उसको नहीं फेस करवाना चाहती सब कुछ मुझे लगता है बहुत ओवर सेंसिटिव बच्चा है मेरा अभी छोटा भी है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो, तो, तो पायलट बनना चाहता है अभी तो <laughs> उसे, उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है है बस कभी कभी कहता है, आप मुझे लेके चलेंगे हम कहते हैं हाँ चलेंगे वो उसको इंटरेस्टिंग तो लगता होगा <laughs> या बट शायद आके बेचारा बोर हो जाए वो इस चीज पर इतना थकता है जब लोग पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं ना तो मुझे बाकायदा खेच रहा होता मम्म पिक्चर नहीं बनवाएंगे हम कहीं जा रहे होते हैं ना आप पिक्चर नहीं बनवाएंगे अच्छा ठीक है अच्छा मैं मास्क भी लगा के जाऊँ ना लोग कभी आवाज से से पहचान जाते हैं तो वो इतना चढ़ता है हम लोग प्लेन में जा रहे हैं आपकी गोद में सामान अरे आप हमने पहचान लिए एक सेल्फी हो मम्मा चले <laughs> बहुत सी पिक्चर्स में वो आ रहा होता है बराबर में आ, आ, आ। <laughs> जब मिस होते हैं मुझे लगता है एक औरत की ना पूरी आ, ना सिर्फ बॉडी एक चीज़ एक बहुत ट्रॉमा से गुजरती है मेंटली इमोशनली भी आप एक डिफरेंट uh, टाइप के ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं कभी कभी औरतें अपने आप को डाउट करने लगती हैं आप एक चीज़ से गुजर रहे होते फिर आसपास की भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं इस दिनी थिंग जो आप शेयर करना चाहें जिससे जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए आप अपना जर्नी का कोई हिस्सा अगर आपको लगता है कि वो मदद कर सकता है या किसी को गाइड कर सकता है वो शेयर करना चाहें अच्छा सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए मेरे साथ तीन मिस तो एक अलग कहानी है बहुत लंबी उसके लिए हम अलग एपिसोड करेंगे जब आहिल आ, थे तो हुआ ये कि फोर्थ या फिफ्थ आई गेस सिक्स मंथ था तो एक बहुत नामवर हॉस्पिटल में हम गए और वहीं से मेरा सब कुछ हो रहा था तो जो डॉक्टर थी वो मुझे देख के कहती हैं यहाँ आपकी हिस्ट्री है क्या आपके मिस हुए हुए मैं कहा जी तो आपका बेबी जो है वो बिल्कुल डेड है उसकी हार्ट बीट नहीं है उसका हार्ट नहीं बना कुछ नहीं हुआ तो आप कल आ कल नहीं आप वेनजे को आके हॉस्पिटलाइज हो जाएं डीएनसी करवा लें तो अब आप सोचें आठ साल बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतनी मुश्किलों से और अम्मी मेरे साथ है जब हम वापस आने लगे ना तो सिर्फ मेरे आंसू गिर रहे थे और मैं कोई बात नहीं कर रही थी तो अम्मी ने बड़ी हिम्मत करके ना मुझे ज़रा गुस्सा जल्दी आ जाता तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि इसको तो दिखा दिया एक बार वो जो मेरी दोस्त है ना उससे एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तसली के लिए फिर मैं तुम्हें करवा दूंगी एडमिट लेकिन एक बार करवा लेते हैं कभी कभी डॉक्टर्स गलत थी मुझे नहीं पता उन्होंने ये हरकत क्यों की थी और फिर मैंने उनको इसलिए छोड़ दिया कि अलहमदिल्ला आहिल ठीक है हम वहाँ गए जाके जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें बेबी था बेबी का दिल धड़क रहा था उन्होंने मुझे उसकी आवाज़ सुनाई उन्होंने मुझे उसका दिल, दिल दिखाया कितनी खुशी हुई होगी उस वक्त आपको और मैं हैरान थी कि वो डॉक्टर मुझे परसों बुला रही है कि आप जाके ये कुछ भी नहीं है डेड है तो एक तो ये कि अगर कोई आपको इस तरह से कहे तो आपको सेकंड ओपिनियन जरूर लेना है। ये नहीं सोचना कि आप अपने ही डॉक्टर पर फिर जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो मुझे एक और डॉक्टर का बताया गया कि आप उनके पास जाए वो बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे देखा और मुझे कहती हैं कि नहीं तुम तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती मतलब तो जब आपके मिस कैरेजेज हो रहे थे तब आहिल से पहले क्या क्योंकि माए ना ऐसी होती है अम्मी को तो पहले दिन से ये था कि बस तो हो जाए हो जाए अम्मी हज पे जा रही है उम्र पे जा रही है अम्मी एक ही बात अम्मी की रटती की बस मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बच्चा देख ले मैंने कहा इसके बाद आपकी कोई और दुआ होगी अल्लाह से आप ऐसी सौदे करती रहती हैं नहीं मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ खैर अम्मी ने बहुत दुआ सब कुछ जो भी जो बताता था ना और मैं भी उनका दिल रखने को कि अच्छा चल अरे मेरा फर्स्ट मिस कैरेज हुआ वो उसके अंदर ये हुआ था कि मेरे भाई क्या ना ट्विंस हुए थे और जिस दिन मुझे ये बात कही गई मैं गई फ्राइडे को तो वो इतना खुश कि मेरा एक बेटा हुआ एक बेटी हुई है मैं उसके घरे लग के इतना रोई इतना रोई इतना रोई क्योंकि मैं उससे बहुत क्लोज हूँ बहुत मैं उसी के साथ रही हूँ ज्यादा तो क्या लगा रो क्यों रही हो ये वो मैंने कहा कल मुझे एडमिट होना है और ये सीन हो गया तो मेरे भाई ने ना अपनी बेटी मुझे दी कह दिया तुम ये गोद ले लो मुझे बहुत मिलती है मेरी भतीजी कहते तुम इससे गोद ले लो तुम परेशान नहीं हो तो मैंने कहा नहीं मैं किसी का बच्चा लेके नहीं पा सकती तो उसने मुझे बहुत कन्विंस किया मुझे भी हस्बैंड को भी कि हमारे ट्वेंस हैं तुम एक बेटी रख लो मैंने कहा नहीं ना बेटी चाहिए ना बेटा तुम अपने पास रखो अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे फिर जब मैं सेकंड टाइम हुई तो मुझे बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिला कि मीडिया में है ना तो शायद ये खुद ही जाके सब करवा। ये सब करवाई ये सबसे हार्श स्टेटमेंट थी जो मैंने अपनी लाइफ में सुनी अपनों से कि ये शायद खुद ही जाके करवा लेती क्योंकि इसको मीडिया में काम करना है जबकि प्रेग्नेंट होने से मीडिया का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप काम करें ना करें मीडिया को कोई फ़र्क भी पड़ता है देखा भी जाए तो आपने देखा क्लोज आ रहे होते हैं आपके इतना ज़्यादा इस चीज़ से कोई फ़र्क और अब तो सभी कर रहे हैं सभी ज़्यादातर सबके दो दो तीन तीन बच्चे तो वो सबसे हार्श स्टेटमेंट थी मेरी लाइफ की लेकिन ये होता है कि आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और आप डबल चीजों से डील करिए तो वैसी वो ट्रॉमा वो सैडनेस है है वो ट्रॉमा होता होता पीपीडी हो रहा होता है। आप वैसे ही इतने डिप्रेशन के अंदर होते हैं फिर आपके हारमोन चेंज हो रहे होते हैं आपको पता होता है कि आपको कैसे बॉडी के चेंजेस को भी फेस कर रहे होते हैं आप इमोशनली भी तो मैंने बहुत सुनी है ये बातेंट बल्कि कुछ लोग थे वो तो कहते थे मैं मेंशन करूंगी अपने मियां का ट्रीटमेंट करवाओ मैं अपने हस्बैंड के लिए क्यों सुनूं ऐसी बात हमें पता है मतलब अगर आपके तीन हुए तो इट कि आप कंसीव भी कर सकते हैं और अल्लाह मियाँ के हाथ में है है सब कुछ ठीक है। जब देना होगा तब दे देगा अल्लाह तो वो कभी कोई कहता था हमारा बच्चा ले लो कोई कहता था अडॉप्ट कर लो कोई कहता था ये कर लो अच्छा अब जब से आहल हुआ है चार साल हो गए जितने कजन को जितने आस के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना कि इसका क्यों नहीं हो रहा आप कसम ले रहे किसी ने फोन करके पूछा हो कि वो कैसा है सिर्फ उनको कब होगा कब होगा दैट्स इट Adoption का आपने कभी नहीं, नहीं। क्योंकि जब मैंने हस्बैंड से बात की थी ना तो उसने कहा अगर नहीं भी होगा ना तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैं अडॉप्ट करूंगा क्योंकि उनको बहुत वो था कि भाई लड़का हुआ तो तुम्हारे लिए ना नाम वो लड़की हुई तो okay, फिर okay, वो बच्चा ट्रामा से गुजरेगा फिर उसके साथ क्या होगा और खुदा ना खास्ता ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता और ये तो ना नाउमीदी की बात है उसने बहुत सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने उससे नहीं मसला होता था वो कहता था बस हो गया कोई बात नहीं चलो ओके क्या एक दो बातें आप जो हस्बैंड सुन रहे हैं उनको कहना चाहेंगी टू सपोर्ट वाइफ जनरली यू नो शादी के बाद काम कर रही हूं, या uh, यार सब याज का हो या वैसी हाँ. कोई चैलेंज हो डिप्रेशन में बहुत दफ़ा आप चीज़ों की वजह से चले जाते हैं वट इज़ द रोल जो हस्बैंड प्ले कर सकता है जो आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा है जिन चीज़ों ने आ, जो चीज़ें आपके हस्बैंड ने की वो उन्होंने आपको मदद किया वो आप कैसे कुछ शेयर कर सकती हैं यार एक तो ये बात होती है कि सारी बात ट्रस्ट की होती है जो मैंने सबसे ज़्यादा आजकल जब मैं देखती हूँ ना कि रिश्ते टूट रहे हैं एक नॉर्मल सी बात हो गई कि खत्म हो रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है और फिर लोग इसको भी एक वो बना रहे हैं कि ये सोसाइटी का यूँ है ये है तो आप दूसरों को ब्लेम करने के बजाय ना आप अपने अंदर झाके और सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट की अब जैसे मेरा हस्बैंड है उसको अगर कोई बोलता है ना कि तुम्हें ये नहीं होता ये वहाँ जाती है यहाँ जाती कहता है मुझे पता है काम पे जाती है सीधी घर आती है तो ये वाली बात है। होती है कि ट्रस्ट और दूसरा ये कि बजाय के ये एक हस्बैंड का फेलियर है कि उसकी बेगम किसी को जाके अपने प्रॉब्लम्स बताए आप कम से कम इतना सॉफ्ट कॉर्नर तो रखें ना कि आप खाना खाते हुए या चाय पीते हुए या वॉक करते हुए उसकी वो प्रॉब्लम सुने क्योंकि आप तो टू सम एक्सटेंड आप नाइन टू फाइव काम कर रहे हैं या नाइन टू सिक्स काम कर रहे हैं और वो जो है वो घर भी देख रही है बच्चा भी देख रही है बाहर के काम भी कर रही है फिर उस पर आपके पूरे ख़ानदान का भी प्रेशर है तो आप उस चीज़ को समझें कि वो आपसे ज़्यादा ड्यूटी कर रही है अगर आप उसकी जगह करना शुरू हो तो फिर क्या मेरा हस्बैंड तो खैर बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ ही बराबर का काम करता है लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि सारी बात ट्रस्ट की होती है कि आप अगर वो करना शुरू कर दें और अगर नहीं बन रही नहीं हो रहा तो वह जाएगा आप रिलेशन को इतने आगे लेके दें हम उसको वहीं पर ख़त्म कर दें देट सेट आई थिंक आपने जो दूसरी बात बोल रही है वो बड़ी प्यारी है कि इतना इतना सॉफ्ट कॉर्नर तो रखें कि उसकी हाँ दो हाँ बातें हाँ सुन लें हाँ और चाहे शायद यही चाहिए होता है हाँ अब हाँ 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 आप ये देखें ना कि वो जो ख़्वीन को मुझे खुद भी होता है कि अगर कोई बात मेरे दिल में है अब मैं अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर सकती जैसे किसी करीबी की ही है अम्मी ने कुछ कह दिया मेरा दिल टूट गया तो मैं उससे बोलूँगी ना अच्छा छोड़ो दफ़ा करो कोई बात नहीं बाजी की उम्र भी है छोटी वाली भी बाहर चली गई है तो वो आके बोल तो वो आपको ना एक

डायरेक्टर्स uh, में या एक्टर्स में दोनों हम बोल सकती हैं एक्टर्स ही बोल सकती हैं अच्छा एक मेरे लिए जो सपोर्टिव रहे हैं एक सर बहुत रहे हैं टीपू है, है सुहेल समीर हैं और अभी वजाहत सर ने बहुत मुझे इस हवाले से कैरेक्टर के हवाले से सपोर्ट किया एहसन सर की वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया अकबर इस्लाम साहब ने मुझे शुरू में बहुत सपोर्ट किया जब हम ऑडिशंस वगैरह देने जाते थे सब कुछ होता था तो Okay, खातीन में शायद कमी है हाँ सबक हमारे से भी बहुत अच्छी वो है कि अगर कोई काम हो कुछ हो कोई बात करनी है कहीं कुछ आप उलझे में और कुछ ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं जैसे सोनिया हुसैन उनको आप कभी भी मैसेज करें कोई बात हो कोई प्रॉब्लम हो या एज अ को एक्टर भी जब भी मैंने उसके साथ काम किया है तो वो बहुत अच्छी है इकर अजीज़ है यमुना है ये सब बहुत अच्छे हैं और मतलब ये आपको फ़ील नहीं होने देते कि आप सपोर्टिंग कास्ट हैं अभी जैसे इकरा के साथ हमने मन्नत मुराद किया हमें कहीं से नहीं लगता था कि हीरोइन वाले टेंट्रम्स हैं उसकी बिल्कुल भी नहीं यमुना के साथ बख्तावर किया हम सब एक ही वैनिटी में बैठे हुए हैं पता ही नहीं चलता था कि यमुना को कोई मसला है कुछ भी नहीं, नहीं।, नहीं। लेकिन कुछ हैं जिनको उससे पता है प्रॉब्लम ये होता है राबिया कि जब आप अब आप और मैं एक कैरेक्टर प्ले करें ठीक है आप मेरी भाभी हैं मैं नंद अब आप अलग कमरे में बैठी हैं हम तब आ रहे हैं जब सेट पे सब कुछ हो चुका है और हमें परफॉर्म करना है सबसे पहली बात कि मैं कंफर्टेबल ही नहीं होंगी आपके साथ परफॉर्म करने मुझे तो खैर अब आदत हो गई इन चीज़ों की लेकिन आप कम अज कम इतना तो मार्जिन देना कि आप लाइंस बहुत सी ऐसी अब मैं उनकी बात तो नहीं करी जो पुराने लोग हैं अब कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनसे आप कहते हैं लाइंस कर लें हाँ अच्छा लाइंस कर लें लाइंस कर लें सेट पे कर लेंगे और जब परफॉर्म करने खड़े होते हैं तो वो एडी से बोलते कि प्रॉम्प्ट कर दो मतलब मैं हैरान होती हूँ कि तुम्हें आगे पीछे कुछ पता ही नहीं है तो तुम कैसे करोगी मतलब यू वन बिलीव इट कि अभी मैंने ऋशान भाई के साथ एक दिन का काम किया है ठीक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जियो का है वो भी तो शिशान भाई के पास जब मैं गई हूँ ना उन्होंने मुझे पंद्रह से बीस पच्चीस मिनट तक एक्सप्लेनेशन दी है पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है कि मजना ये कैरेक्टर है ये ये चल रहा था वो ऐसे तैयार होती है वो ऐसी है उसकी बॉडी लैंग्वेज ये है उसका नूर के साथ क्या कांटेक्ट है अपने बच्चे के साथ वो किस तरह रहती है

मोहम्मद खुरम का एक कर रही हूँ जियो का okay. और अली फैजान का भी मैंने कम्पलीट किया खुमार, खुमार में भी आप आने खुमार आने में ओके okay. और एक मैं कर रही हूँ जियो से ऑनियर होगा और उसका नाम भूल जाती हूँ मैं चले हम आपको कुछ जगहों पे देखने लगे हाँ. गुड्डी <laughs> आपने कहा था गुड्डी गुड्डी नाम तो उनका है जो खुरम जो फुरकान आदम का है उसका नाम पता नहीं कुछ हौसला समथिंग था भूल गई हूँ सिला मोहब्बत से <laughs> <नाँगा>। <laughs> 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 वो इतने सारे होते हैं ना आगे पीछे भूल जाती हूँ मुझे रैप हुआ है अभी हाँ। तो सीरियल एंटरटेनमेंट का किया है मैंने और उसके डायरेक्टर अकील ताशी थे बाद में मेहताब चौहान थे अब अभी फिलहाल मैंने थोड़ा ब्रेक लेने की कोशिश की है क्योंकि बहुत कोई ऑफ नहीं था मेरा लगातार का लगातार का मुराद पे कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको बहुत अच्छा और बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम आपसे ना अपनी कहानी रिलेट करते हैं कि हर घर में एक ऐसी औरत एक ऐसी लड़की एक ऐसी पुप्पो है जिसने अपने भतीजा भतीजी को पाला है एक ऐसी खाला है जो अभी तक बैठी हुई है भांजियों की शादी कर रही है और वाकई में ऐसी फैमिलीज हैं लोग छुपाते हैं इन चीज़ों को लेकिन है ऐसा मुझे तो लगा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शायद करते भी हम रियलाइज नहीं भी करते कि कभी कभी जो घर के हालात हैं इन द फैक्ट के शादी नहीं हुआ वो, वो कैसे मेंटली इमोशनली आपको इतना ज्यादा अफेक्ट करती है इट इज अ गिवन इट्स इट आप उसको डिनाई नहीं कर सकते और वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है हर कोई तो इतना अस, मजबूत नहीं होता कि वो उस चीज़ को स्ट्राइड में लेके आगे चला जाए लेकिन वो अब जो भी उसके साथ हुआ फजीलत के साथ उसकी माँ ने नहीं करने दिया बट कभी कभी ये चीजें होती हैं वहाँ के घरों में जहाँ यू नो शादी डिले हो जाती है फिर नहीं रिश्ता मिलता मुझे तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा कोई हमदर्दी भी नहीं है yeah. मतलब yeah. उनका फोकस जो है मेरे लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं, नहीं।, नहीं कि हमें कुछ करना है yeah. अभी भी नहीं कुछ करने की कोशिश कर रही है कुछ ज्यादा ही उससे लेकिन मुझे एक अच्छी चीज ये लगी थी कि जब हमने ये शुरू किया था ना तो मुझे ऐसा लगा था मेरा क्योंकि उसके अंदर ये था कि चीख पुकार और चीज़ें फेंक रही है, ये करिए वो करिए तो मुझे वजात सर ने एक बात बोली उन्होंने कहा हम इसको ना बहुत स्मूथ लेके चलेंगे हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कहीं पे कोई ऐसा पहलू ना आए जिससे आपकी नेगेटिविटी निकल के बाहर आए कि ये कैरेक्टर नेगेटिव है क्योंकि आपने नेगेटिव बहुत किए हैं मैं चाहता हूँ करें मुझे वो कैरेक्टर नेगेटिव नहीं लगता मुझे वो कैरेक्टर लगता है जिसको प्रॉब्लम है जिसको Problem. मसले हैं हाँ. वो किसी भी वजह से डिप्रेशन बोले उसको एहसास के मेरी शादी नहीं हुई उसके साथ जिंदगी में जो हाँ. रिगरेटिव ले जाते हैं जब ये सब होता है तो फिर रिजल्ट ऐसे निकलता है

के ना पकड़ना शुरू करती है कि क्या नहीं वही तो आप क्या कर रही हैं okay. तो उस पर मुझे उन्होंने कहा कि जब ऐसा कोई सीन आएगा तो हम उसको ओवरकम करने के लिए कुछ ऐसा लगाएंगे कि वो पॉजिटिव वे में जाए की yeah. अच्छा नहीं है इसके लिए अच्छा सोच क्योंकि एट दी एंड वो अपने भाई को कहती है ना कि तुम जाके शादी कर लो हाँ, तुम ही तोड़ तो सकते हो हाँ. तुम्हारे पास पर पा है हाँ. इससे पहले हाँ. की अम्मा अपनी पसंद के मुझे है। अच्छा लगता है भाई के लिए पॉजिटिव हाँ. भी रहती है उसको चाहती भी अब आप देखे ना कितने शेड है इस कैरेक्टर के वो उधर कहती है तुम जाके शादी करो और माँ से कह रही है आपको क्या लगता है उसका हार्ट टूटा है उसका पाँव टूटा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता uh, है फजीलत का एंड चले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बड़े अरसे से ये चल रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था आज हो गया फाइनली वो uh, और एकदम से अचानक से अचानक से अचानक, <laughs> अचानक से uh, मैंने कहा चल और uh, मुझे बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगा बस जो लगा लगाना पर... हो लगा दीजिए जो काटना हो काट दीजिए एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू